All right. Good afternoon, everyone. Good afternoon to each and every one of you. Let's see if we are live on YouTube or not. I think we're live on YouTube. And uh, we're live on Class Plus as well. Yes. So good. Uh, good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everyone. All right. This is amazing. This is just amazing. Good afternoon, Shubham. Good afternoon, Anant, Archita, Ruchira, Suraj, Dhruvi, Vandana, Urvisha, Dipendra, Payal, Danish, Vivek. जित पार्थ हर्ष सहना आर्यन राधिका कुशल अभिजीत आरुषि सेजल अनामिका निश्चय मेहक ऋतिका मोक्ष माही तनु क्या बात है अमेजिंग टू सी ऑल ऑफ यू यार अमेजिंग सो गुड टू सी ऑल ऑफ यू हियर नी कॉन्ंग्रेचुले सी एन्यों ने सीए फाउंडेशन को क्लियर किया है आप लोग सीए इंटरमीडियट में आ गए हो एंड सो गुड आफ्टरनून टूच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरी वन साना सर मुझे तो जान गए हो गए आप वार्म अप बैच में था मैं हां हर्ष शर्मा मैं सबको जान गया ठीक है मैं सबको जान गया गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जितने लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं आप लोग भी और जितने लोग यहां पर है क्लास uh, प्लस की वेबसाइट पर है आप लोग भी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन चलो चलिए सर शुरू किया जाए आई यू रेडी एंड एक्साइटेड फॉर दिस न्यू जर्नी एवरीबॉडी समीर मोहम्मद हाय इशिका श्रद्धा आई यू एक्साइटेड Are you excited for this new journey, everybody? Are you excited for this new journey, everybody? Come on, come on, come on. Are you excited for this new journey, everybody? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही उम्दा. पूरे दो महीने बाद निष्दस निष्दस निष्निष्दस. Very good, amazing energy. I I can see amazing energy in the chat section and that is amazing. ठीक है अमेजिंग एनर्जी दिस इज जस्ट टू गुड दिस इज टू गुड चलिए सर बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड बहुत ही अमेजिंग चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं बहुत ही अमेजिंग चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और बहुत ही एक एक ऐसी माइंड ब्लोइंग चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों ने कभी आंटिसिपेट नहीं की होगी ठीक है जो कभी किसी ने सी एफ में आर्टिसिपेट नहीं की होगी एव बिन वर्किंग ऑन दैट फॉर द लास्ट टू मंथ्स नाउ ठीक ठीक है, है, और आज मैं उस चीज को यहां पर रिवील करने वाला बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है और मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ आई यू एक्साइटेड टू नो वट दैट थिंग इज जो मैं दो महीने से काम कर रहा हूं उस पर और आप लोगों के सामने आज मैं उसको रिवील करूंगा ठीक है चलो लेट्स गेट स्टार्टेड हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना सब्जेक्ट टैक्सेशन मेरा नाम है सीए निशांत कुमार फॉर ऑफ यू हु आर नॉट अवेयर मैं हूं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं आप लोगों को सीए फाउंडेशन में मैथमेटिक्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूं हूँ सीए इंटरमीडिएट में मैं आप लोगों को टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ाने आया हूं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगा ठीक है आओ देखते हैं आप लोगों के कई सारे सवाल होंगे एक एक करके इन सवालों के सिलसिला को शुरू करते हैं सबसे पहली बात ये पेपर कितने घंटे का होता है जैसे जिन लोगों लो ने भी मुझसे मैथ्स पढ़ा है आप लोगों को पता है मैथ्स दो घंटे का होता है तो ये पेपर कितने घंटे का होता है कितने मार्क्स का होता है पेपर पैटर्न कैसा रहता है स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है नोट आप लोगों को कहां से मिलेंगे आप लोगों ने सुना होगा टैक्स काफी हार्ड है और लास्ट में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा मेरी स्ट्रैटेजी, ठीक है अगर आप लोगों ने अभी तक ये वाली वीडियो देख लिया ना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अगले दस मिनट और देख लो क्योंकि जब मैं जब तक मैं माई स्ट्रैटेजी पर आऊंगा ना वो आप लोगों को एक्चुअली हिलाकर रख देगी ठीक है जो मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी सोची हुई है ना इस बार नवंबर 24 के लिए और जो मैं चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूं वो सारी चीजें सुनकर आप लोग एक्चुअली यू ऑल विल बी माइंड ब्लोन एक्चुअली माइंड ब्लो हो जाएगा ठीक है तो आराम से सुनेंगे सब लोग साथ में चलेंगे ठीक है सबसे पहली बात यह पेपर कितने घंटे का होता है तीन घंटे का पेपर होता है ठीक है कितने मार्क्स का होता है कितने मार्क्स का होता है तो ये आपका 50 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स होता है और 50 मार्क्स का आपका जीएसटी होता है ठीक है जैसे जितने भी लोगों ने मुझसे पढ़ाया तो आप लोगों को पता होगा उसमें सेगमेंट्स होते थे यहां पर हमारे पास दो सेगमेंट्स है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट डायरेक्ट भी फिफ्टी मार्क्स है और इनडायरेक्ट भी आपका फिफ्टी मार्क्स का होने वाला है ये आप लोग थोड़ा बहुत पेपर पैटर्न यहां पर देख सकते हो बहुत ध्यान से इस को देखना ठीक है तो सेक्शन ए होगा आपका डायरेक्ट एक्सेस का जो कि 50 मार्क्स का होगा सेक्शन बी होगा 50 मार्क्स का टोटल 100 मार्क्स का होगा अब इसमें क्या है इस 100 मार्क्स में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं और 70 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है ठीक है अब ये जो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, इसमें 15 मार्क्स के डायरेक्ट टैक्स के एमसीक्यूज आएंगे और 15 मार्क्स के इनडायरेक्ट टैक्सेस के एमसीक्यूज आएंगे अब अब मेरी बात ध्यान से सुनना ये एमसीक्यूज का जो बाइफरकेशन है ये इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है ठीक है पहले क्या होता था नवंबर 2023 तक जो डायरेक्ट टैक्स होता था और इनडायरेक्ट 40 मार्क्स का होता था अब क्योंकि नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएंगे और ये जो सत्तर नंबर के आपका सब्जेक्टिव पेपर है इसमें भी पैंतीस पैतीस मार्क्स के आपके हो जाएंगे एग्जैक्ट पेपर पैटर्न हमें तब पता चलेगा जब आईसीए अभी मॉक टेस्ट पेपर रिलीज करेगा ठीक है अभी आपके नवंबर 2024 के लिए हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं अभी नई स्कीम से एक भी एग्जाम नहीं हुआ है मे 24 का एग्जाम हुआ नहीं है आईसीएआई के मॉक टेस्ट पेपर्स अभी इशू हुए नहीं है जैसे ही आईसीएआई के मॉक टेस्ट पेपर्स इशू हो जाएंगे हमें एग्जैक्ट पेपर पैटर्न पता चल जाएगा और एक बार मे ट्वेंटी का एग्जाम हो जाए तो हमें और लेवल ऑफ क्वेश्चन भी अच्छे से पता चल जाएगा ठीक है

मैं बस पास हो जाऊं ये बहुत है कभी हम लोगों ने ऐसा नहीं किया हम लोगों ने हमेशा स्कूल में ऐसी पढ़ाई की है कि हम लोगों को एटीज, में लेकर आना है ठीक है और अगर कोई सब्जेक्ट हमें नहीं पसंद आता था या अगर कोई सब्जेक्ट अगर कोई सब्जेक्ट हम लोगों को नहीं पसंद आता था या हम लोगों का कोई सब्जेक्ट ऐसा होता था या कोई सब्जेक्ट हम लोगों का ऐसा होता था जो uh, सब्जेक्ट आप लोगों को बहुत uh, डिफिकल्ट लगता था ठीक है अच्छा क्लास प्लस पे कई सारे लोग कह रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम आप लोग यूट्यूब पर देख लो यार ठीक है जितने भी लोग क्लास प्लस पे देख रहे हैं जितने भी लोग यहां पर देख रहे हैं उन लोगों को अगर थोड़ी बहुत वॉइस प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिए कभी कभी ऐसा हो जाता है नॉट वेस्ट टाइम इन यू नो फिक्सिंग द वॉइस वॉइस एंड ऑल पे एकदम सही आ रही है तो जितने भी लोग यहां पर uh, क्लास प्लस पर देख रहे हैं जितने भी लोग ऐप पर देख रहे हैं अभी आप लोग इसको यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाओ ठीक है अभी आप लोग इसको यूट्यूब पर देख लो सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा माई पॉइंट इज क्या हम आज ये प्लेज ले सकते हैं क्या हम आज ये प्लेज ले सकते हैं कि हम ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई करेंगे क्या हम यह आज ले सकते हैं कि हम ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए तैयारी करेंगे जो बच्चे जो बच्चे टैक्स में 85, 90, 95 आपको पता है 98 तक आ चुका है हाईएस्ट स्कोर 98 मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सीए इंटरमीडिएट का चाहे वो आईपीसीसी बोल लो चाहे आप उससे पुरानी वाली स्कीम बोलो कोई भी स्कीम्स बोलो सीए इंटरमीडिएट में टैक्सेशन का जो हाइएस्ट मार्क्स है वो पता है कितना है नाइन मार्क्स है क्या वो अलग टाइप के बच्चे होते हैं वो भी तो आप में से ही होते हैं ना तो क्या हम आज ये प्लेज कर सकते हैं कि हम इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए पढ़ेंगे अब वो 98 होगा 100 होगा हम 50 नंबर का टारगेट ही नहीं करेंगे प्रॉब्लम यहां पर सबसे बड़ी क्या होती है कि जो भी बच्चा होता है ना स्टूडेंट होता है वो 40-50 नंबर लाने का टारगेट करता है तो भाई अगर 40-50 नंबर लाने का टारगेट करोगे तब तो उससे कम आएंगे ही आएंगे ना तो फेल हो गए ही हो गए लेकिन अगर हम अपना टारगेट बनाए कि यार मेरे को सौ नंबर लाने ठीक है अब सौ नंबर लाना नामुमकिन नहीं मैं आपको लिख कर दे रहा हूं ठीक है मैं तो वीडियो में बोल रहा हूं ना सौ नंबर लाना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है सौ नंबर आप लोग बहुत आराम से ला सकते हो टैक्सेशन में लेकिन उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजीज होंगी मुझे यहां पर जल्दी से चार्ट बॉक्स में आप सारे के सारे लोग लिख दो ठीक है जितने लोग क्लास प्लस पे देख रहे हैं वो जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो क्या हम आज इस समय ये प्लेज कर सकते हैं कि हम ऑल इंडिया हाइएस्ट मार्क्स लाने के लिए तैयारी करेंगे यस यस yes, जल्दी बताओ क्या हम ये प्लेज आज कर सकते हैं कि हम ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई करेंगे यस कैन वी प्लेज दिस राइट योर राइट नाउ यस बहुत बढ़िया अगर आप लोगों का ये प्लेज है ना तो मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं और जो रिसोर्सेज मैं आप लोगों को देने वाला हूं अभी आप लोगों का माइंड ब्लो कर देंगे ठीक है नोट्स के लिए गूगल ड्राइव का लिंक फिलहाल जब तक ये आपके सेशन यूट्यूब पे होंगे तब तक के लिए गूगल ड्राइव का लिंक यहां पर दिया हुआ है अदरवाइज क्लास प्लस में में आपको आपको फोल्डर मिल जाएंगे नहीं तो आपको, तो बुक्स रही ठीक है है टैक्स आप लोगों ने सुना होगा हार्ड लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं ठीक है सिर्फ एक चीज की बात होती है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड मल्टीपल रिविजन ऑफ द सेम मटेरियल ठीक है तो इसलिए बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है अब आओ बात करते हैं मेरी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के लिए क्या क्या करवाने वाला हूं ठीक है मेरी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के लिए क्या क्या करवाने वाला हूं सबसे पहली बात हर क्लास के स्टार्टिंग में मैं पांच मिनट की आप लोगों की क्विज लेने वाला हूं जितना भी आप लोगों का पुराना हुआ हुआ है उस सब की ठीक है अब आज तो पहली क्लास है लेकिन कल से ही आप लोग इसको देखोगे कल की क्लास में शुरू के पांच मिनट हम लोग आज का रिविजन करेंगे और रिविजन ऐसे नहीं मोनोलॉग नहीं होगा जन में यूजअली क्या होता है मोनोलॉग होता है कि हां मैं बोल रहा हूं हम लोगों ने ये पढ़ा था फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था तो मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं फिर ये होगा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा ऐसा होगा मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं मैं आप लोगों का रिवीजन करवाने वाला हूं ऐसे क्या होता है जब भी हम लोग इस टाइप का रिवीजन करवाते हैं ना देखो पहले ऐसा था कल हम लोगों ने ये पढ़ा था ऐसा हुआ था तो आपका स्टूडेंट का रिवीजन नहीं हो रहा है स्टूडेंट को सिर्फ लग रहा है कि उसका रिवीजन हो रहा है रिवीजन किसका हो रहा है टीचर का हो रहा है एग्जाम क्या टीचर को देना है नहीं एग्जाम तो स्टूडेंट को देना है ना ठीक है तो यहां पर अब मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं तो एवरी क्लास इन एवरी सिंगल क्लास शुरू के पांच मिनट में मैं एक क्विज आप लोगों के साथ लेने वाला हूं ये गारंटीड है ठीक है दूसरी चीज दूसरी चीज आगे आने वाली जो भी क्लास होगी उससे पहले आपको क्या क्या रिवाइज करके आना है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं तो ये जो जो अभी मैंने आपको रिवीजन स्ट्रेटजी बताई ना कि फर्स्ट रिवीजन अब सेकेंड रिविजन ऐसे और सब्सिक्वेंट रिवीजन ऐसे होने चाहिए इसके आप लोगों को बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है हर बैच में मैं क्या करता हूं हर बैच में मैं बताता हूं। देखो गूगल कैलेंडर पर प्लानर बनाओ वगैरह वगैरह तो कई सारे लोग क्लास के एंड बताऊंगा कि अगली क्लास से पहले आपको क्या क्या रिवाइज करना है इससे एक फायदा और हो जाएगा हो सकता है आप ये वाली क्लास अभी आज ट्वेंटी फेब्रवरी है जब हम लोग ये वाली क्लास कंडक्ट कर रहे हो सकता है आप दो महीने बाद गूगल ड्राइव खरीदो हो सकता है आप फर्स्ट मे से ये वाली क्लासेस देखना शुरू करो ठीक है तो कई सारे कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स अगर बाद में क्लास खरीदते हैं तो सोचते हैं यार मैं अपना रिवीजन कैसे कंप्लीट करूंगा मैं अपना बैकलॉग कैसे क्लियर करूंगा वगैरह वगैरह ठीक है तो इट्स it, एकदम सिंपल हर क्लास के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगली वाली क्लास से पहले क्या क्या रिवाइज करना है क्लियर हो गई बात यहां पर कोई पंगे वाली बात ही नहीं है तो एट दी एंड ऑफ एवरी क्लास आई विल बी टेलिंग यू आई विल बी मेकिंग अ रिविजन प्लानर फॉर यू एट दी एंड ऑफ एवरी क्लास के इसको आपको कब कब रिवाइज करना है मैं ही आपको बताऊंगा भाई अगली क्लास में आने से पहले ये रिवाइज करके आना डन सिंपल हो गया अगली क्लास में आने से पहले मैं ही आपको बताऊंगा भाई ये, ये चीज रिवाइज करके आ जाना कोई कोई टेंशन ही नहीं आपको कुछ नहीं करना कोई गूगल कैलेंडर नहीं बनाना कुछ नहीं करना आपको ठीक चल नेक्स्ट चीज हम हर महीने के लास्ट संडे हर महीने के लास्ट संडे एक क्यूम्यूलेटिव टेस्ट लेने वाले हैं हर महीने के लास्ट संडे फेबर मंथ का लास्ट संडे है पच्चीस फेबर को तैयार हो जाओ बेटा

ठीक है क्योंकि एकदम क्लियर बात है डे वन से लेकर उस संडे तक जो पढ़ाया वो सारी की सारी चीजें संडे वाले टेस्ट में आने वाली क्योंकि मैं पेपर ही सैटरडे को बनाऊंगा ठीक है मैं पेपर ही सैटरडे को बनाऊंगा मेरे पास कोई पहले से पेपर्स प्रिपेयर्ड नहीं है मैं पेपर बनाऊंगा ही सैटरडे को ठीक है क्योंकि सैटरडे को क्लास होगी क्लास के बाद मैं पेपर बनाऊंगा ठीक है अब तक क्या पढ़ाया वो कल का टेस्ट आएगा डन चल चलो गई बात ठीक है ये ये एक बढ़िया हो गया और मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है एक लर्निंग मैनेजमेंट

एक समरी आपको एल पे प्रोवाइड होगी हर लेक्चर के बाद तो आफ्टर एवरी क्लास यूल प्रोवाइडेड विद समरी आफ्टर एवरी क्लास यूल बी प्रोवाइडेड विद एमसीक्यूज़ क्यूज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट लेक्चर एमसीक्यूज आपके पेपर में आ रहे हैं ठीक है थर्टी मार्क्स के आपके पास एमसीक्यूज आने वाले तो हर सेशन के बाद एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड होने वाले हैं इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में डिस्कशन फोरम्स होंगे जहां पर आप कुछ भी बातें कर सकते हो आपस में बातें कर सकते हो मैं इन्वॉल्व रहूंगा और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो जो रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों के लिए भी ये रहता है कि सर हम लोग तो बाद में देख रहे हैं क्लास में तो आपसे डाउट हम लोग पूछ लेंगे लेकिन अगर क्लास के बाद हमें कोई डाउट आता है रिवाइज करते समय हमें कोई डाउट आता है तो वो डाउट कैसे होगा तो इस एल के अंदर इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर देर आर गोइंग टू बी डिस्कशन फोरम्स देर आर गोइंग टू बी डाउट सॉल्विंग जो आप अपना डाउट डाल सकते हो बाकी लोग आपके डाउट को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है बाकी लोग आपके डाउट को सॉल्व कर सकते हैं और वहां पर बीच बीच में मेंटरशिप भी होती रहेगी नाउ आर यू एक्साइटेड फॉर दिस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड आर यू एक्साइटेड टू नो हाउ यू कैन एक्सेस दिस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज इन अमेजिंग ये गिव मी एन अमेजिंग इन द चार्ट सेक्शन इफ यू थिंक दिस इज अमेजिंग गिव मी एन अमेजिंग इन द चार्ट सेक्शन इफ यू थिंक दिस इज अमेजिंग चैट सेक्शन पे अमेजिंग अमेजिंग लिख दो अगर आप लोगों को लग रहा है अमेजिंग है तो और इतना तो सिर्फ अभी है एलएमएस में मैं लगातार काम कर रहा हूं और भी बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को देने वाला हूं ठीक है, आर यू एक्साइटेड टू नो नाउ डू यू वॉन्ट टू नो हाउ यू को आप लोग एक्सेस कैसे कर पाओगे कैसे कैसे होगा? एक्सेस करोगे? आओ समझते हैं इसको आप एक्सेस कैसे कर सकते हो देखो जी आपको करना क्या है आपको सिंपली मेरी वेबसाइट पर आना है कुमार ठीक है आपको सिंपली मेरी वेबसाइट पर आना है कुमार और कुमार निशांत डॉट कॉम में आप लोगों को यहां पर एल एम एस दिख जाएगा आपको इस पर क्लिक करना है ठीक है जब आप इस एल एम एस पर क्लिक करोगे जब आप इस एल एम एस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा आप इसकी कुकीज वगैरह को एक्सेप्ट कर लेना और यहां पर आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट करोगे ठीक है यहां पर आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना होगा जब आप न्यू अकाउंट क्रिएट करोगे या आपसे कुछ कुछ बोलेगा इस सबको आप एक्सेप्ट कर लो एक्सेप्ट करने के बाद इसको कर दो नेक्स्ट ठीक है अब यहां पर अपना यूजर नेम डाल दो मैं यूजर नेम डाल दे रहा हूं डेमो ठीक है पासवर्ड मैंने कुछ भी डाल दिया ठीक है और ईमेल आईडी एक डेमो ईमेल आईडी मैंने बना रखी है मैंने बना रखी है डेमो एकाग्रता डी ठीक है डेमो एकाग्रता डी टी एट जी मेल डॉट कॉम पर आपको अपनी ईमेल मेल आई डालनी है ठीक है तो डेमो एकाग्रता डी टी एट जी मेल डॉट कॉम यह मैंने बना रखी है डेमो आप लोगों को दिखाने के लिए बस बना रखी है और कुछ नहीं ठीक है फर्स्ट नेम में मैं डाल देता हूं डेमो लास्ट नेम में मैं डाल देता हूं यूं ही सिटी टाउन में डाल देता हूं मैं प्रयागराज और इंडिया और ये अकाउंट आपका क्रिएट हो गया ठीक है अच्छा यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो ठीक है कर 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 देते हैं ठीक है दिया कर दिया अब जैसे ही यहां पर मैं करूंगा तो तुरंत इस ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और ईमेल आईडी पे डी लॉग इन करूंगा ठीक है ईमेल आईडी आपके पास मतलब ईमेल आ जाएगी तो यहां पर क्या था डेमो एकाग्रता डी डेमो एकाग्रता डी ठीक है और यहां मैंने इसको लॉग इन किया जैसे ही मैं इसको लॉग इन करता हूं मुझे यहां पर अपने इनबॉक्स में मुझे यह दिख जाएगी देखो साइट अकाउंट कंफर्मेशन आ रहा है साइट अकाउंट कंफर्मेशन पे मैं आऊंगा और इस पर क्लिक करूंगा और अब मैं अपने डैशबोर्ड पर आ गया हूं अब मैं अपने डैशबोर्ड पर आ गया हूं मैं यहां पर कंटिन्यू करूंगा एंड दिस विल बी योर डैशबोर्ड दिस विल बी योर डैशबोर्ड अब सुनो इसमें क्या होगा आप होम पर आओगे होम पर आने के बाद आपको यहां पर दो दिखेंगे, November, Tax, November, आप लोगों को सी इंटरमीडिएट नवंबर इनडायरेक्ट टैक्स सी इंटरमीडिएट नवंबर डायरेक्ट टैक्स आप सपोज यहां पर डायरेक्ट टैक्स पर आ गए और अब आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें यहां पर दिख रही है हमारे पास टोटल थर्टीन चैप्टर्स हैं तेरह चैप्टर्स के सेगमेंट्स मैंने, मैंने बना रखे ठीक है अनाउंसमेंट्स यहां पर होंगी और जनरल डिस्कशन अगर आपको कुछ भी है आप यहां पर डायरेक्ट डिस्कशन हब पर आओगे डायरेक्ट टैक्स डिस्कशन हब पर आओगे यहां पर आज डिस्कशन टॉपिक पर क्लिक करोगे आपको जो सवाल पूछना है जो बातें करनी है आप लोग आराम से यहां पर बातें कर सकते हो पोस्ट कर दोगे फोरम पे लोग उस पर रिप्लाई करते रहेंगे लोग उस पर रिप्लाई करते रहेंगे ठीक है अगर आपको चैप्टर स्पेसिफिक डाउट पूछना है तो हर चैप्टर के अंदर मैं फोरम बना दूंगा जैसे अभी चैप्टर बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन है तो बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन के डिस्कशन का मैंने फोरम बना रखा है किसी को भी इस चैप्टर से रिलेटेड अगर डाउट हो तो आप डिस्कशन टॉपिक करो यहां पर जो भी आपके डाउट है आप लोग उसको यहां पर डाल सकते हो एंड पीपल विल रिस्पॉन्ड टू दैट एंड यू कैन हैव अ प्रॉपर कम्युनिटी प्रॉपर कम्युनि कुछ भी मेरे को टेस्ट लेने लेनी समरीज देनी मैं सारी की सारी मैं यहां पर दूंगा एक्सेस पूरे पूरे कर सकते हो ठीक है इसके पूरे नोट्स आप लोग यहां से एक्सेस कर सकते हो नाउ यहां पर अभी अगर आप लोग देखोगे तो ये आपको गेस्ट की तरह से देखने को मिलेगा आपको करना क्या होगा आपको एनरोल मी इन दिस कोर्स पर क्लिक करना होगा ठीक है जब आप एनरोल इन दिस कोर्स पर क्लिक करोगे तो आपको एनरोलमेंट की डालनी होगी एनरोलमेंट की मैं आपको प्रोवाइड विद योर इनवॉइस और जब आप मेरे को लेजिटिमेट एकाग्रता की इनवॉइस के साथ व्हाट्सएप करोगे मैं आपको एनरोलमेंट की प्रोवाइड करूंगा जो आप यहां पर डालोगे और फिर आप एनरोल मी पर क्लिक करोगे तब आपके पास सारी अंदर की चीजों की भी एक्सेस आ जाएगी कि हां ठीक है आप क्विजेज में पार्टिसिपेट कर पाओगे आपकी ग्रेडिंग होगी ठीक है आप क्विजेज में पार्टिसिपेट करोगे आपकी ग्रेडिंग होगी एवरी डे आफ्टर एवरी सेशन दिल बी एमसीक्यूज ठीक है तो आपकी ग्रेडिंग वगैरह होगी तो इससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता रहेगा और कम्युनिटी तो आपकी है इज दिस अमेजिंग और नॉट इज दिस अमेजिंग और नॉट कम ऑन इज दिस अमेजिंग और नॉट इज दिस अमेजिंग और नॉट जल्दी बता दो मुझे डू यू थिंक दिस इज अमेजिंग डू यू थिंक दिस इज अमेजिंग तो जितने भी स्टूडेंट्स ने जितने भी स्टूडेंट्स ने एकाग्रता का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है मेरे कोर्स का आप मुझे पर व्हाट्सएप करोगे एट डबल फोर डबल सेवन फाइव सेवन वन सिक्स सेवन ठीक है आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे एट डबल फोर डबल सेवन फाइव सेवन वन सिक्स सेवन आप मुझे अपनी एकाग्रता की ईमेल आप मुझे अपनी एकाग्रता की इन वॉयस व्हाट्सएप करोगे

अमेजिंग सर फॉर रियल यस बढ़िया तो आपको क्या करना है आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी इनवाइस uh, देनी है ठीक है आपको इस व्हाट्सएप uh, नंबर पर अपनी इनवाइस देनी है और मैं आप लोगों को इसका एक्सेस दे दूंगा ठीक है तो इसी तरह से यह आपका डायरेक्ट टैक्स का है और इसी तरह से होम पर जब आप लोग जाओगे तो होम पर आप लोगों को ये इनडायरेक्ट टैक्स का भी दिखाई देगा इनडायरेक्ट टैक्स पे भी अभी मैंने आप लोगों को गेस्ट एक्सेस दी हुई है कोई भी देख सकता है और यहां पर आप लोग देख सकते 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 हो 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 जनरल जनरल जीएसटी का भी भी डिस्कशन डिस्कशन कर कर चैप्टर वाइज पहले चैप्टर के नोट्स भी यहां पर हैं। और हर चैप्टर का यहां पर चीजें बनाई हुई है ठीक है हर चैप्टर की चीजें यहां पर बनाई हुई है आप लोग इसको अगर फॉलो कर लोगे ना जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं आईसीएआई के परम पूज्य पिताश्री भी आप लोगों को फेल नहीं कर सकते

हां जी फेयर एंड आफ यस खुशी यादव कह रही है सर थर्टी एट फाइव हंड्रेड में डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है क्या है है दोनों है ठीक है थर्टी एट फाइव हंड्रेड में सब कुछ है थर्टी एट फाइव हंड्रेड में सब कुछ है ठीक है थर्टी एट फाइव हंड्रेड में सब कुछ है राइट तो नंबर मैंने आप लोगों को अपना दे दिया है व्हाट्सएप नंबर मेरा ज माई व्हाट्सएप नंबर आप मुझे व्हाट्सएप करोगे अपनी एकाग्रता की इन्वॉइस पीडीएफ में ठीक है आप अपनी एकाग्रता की इन्वॉइस की पीडीएफ uh, व्हाट्सएप करोगे और मैं आप लोगों को एनरोलमेंट की शेयर करूंगा ठीक है एनरोलमेंट की शेयर होने में टाइम लग सकता है और एक बार आपने ये डिस्कशन फोरम ज्वाइन कर लिया इट बी अमेजिंग ठीक है इट वी अमेजिंग ठीक है ऐसा ना पहले कभी हुआ है और ना शायद आगे कभी होगा एनहेंस न भूतो न भविष्य वेलकम टू एकाग्रता न भूतो न वेलकम टू एकाग्रता अब मुझे बताओ आई ऑल एक्साइटेड एक और चीज मैं बता रहा हूं जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है जितनी जल्दी आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे ना उतनी जल्दी आप लोग कम्युनिटी में ऐड होगे उतनी जल्दी आप लोग कम्युनिटी के बेनिफिट्स उठा पाओगे ठीक है उतनी जल्दी आप लोगों को बुक्स मिल पाएंगी और उतनी जल्दी आप अपनी लेजिटिमेट तरीके से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर पाओगे आई यू ऑल एक्साइटेड नाउ ठीक है शुरू किया जाए ये पहले कभी नहीं हुआ भाई ये पहले कभी नहीं हुआ और मैं आपको जेन्युनली बता रहा हूं पिछले दो महीने से इस पे काम कर रहा हूं बहुत जान लगाकर काम कर रहा हूं बहुत मेहनत लगी और बहुत पैसा लगा है तब जाकर ये वाली कम्युनिटी का फोरम ये प्लेटफॉर्म बिल्ड हो पाया है ठीक है और

ठीक है इंडिया में सबसे पहले टैक्सेशन की ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं टैक्स है क्या तो टैक्स बेसिकली मैंडेटरी है जो कि गवर्नमेंट लगाती है इंडिविजुअल्स पर या कंपनीज पर या बाकी चीजों पर भी हम लोग इसको देखेंगे ठीक है तो टैक्स है क्या मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है वैसे तो बोला जा रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन जो वर्ड होता है ना द वर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें ऐसा लगता है कि अरे अपनी मर्जी से डोनेशन टाइप का है हाँ डोनेशन टाइप का है लेकिन फोर्ड डोनेशन है नो बड़ी पे टैक्से बट मैंडेटरी है तो एवरीबडी द टैक्सेज ठीक है चलो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट को या किसी भी देश की गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है टू रन एंड डेवलप द कंट्री ठीक है देश चलाने के लिए जितनी भी सड़कें हैं जितने भी आपके बिजली के कनेक्शन हैं, जितने भी आपके रोड्स हैं जितने भी आपकी वाटर सप्लाई है ये सारी चीजों के लिए पैसा लगता है ठीक है और गवर्नमेंट को पैसा लेने के लिए तीन मेथड्स पता होते हैं एक गवर्नमेंट बिजनेस कर सकती है जैसे रेलवे दूसरा वो वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकती है और तीसरा वो इंडिविजुअल से वो पर्सन से टैक्सेस कलेक्ट करती है ठीक है क्या यह टैक्सेशन कोई बहुत नई चीज है नहीं अगर हम टैक्सेशन की हिस्ट्री पर जाए ना अगर हम टैक्सेशन की हिस्ट्री पर जाए तो दिस इज एक्चुअली दिस एक्चुअली डेट्स बैक टू एशियंट हिस्टोरिक टाइम्स प्री हिस्टोरिक टाइम्स से ये जा रहा है ठीक है प्री हिस्टोरिक टाइम से से टाइम से अजीब हो जाते हैं कि बताओ वर, वर, कैसी बातें कर रहे हैं वगैरह वगैरह आई एक्चुअली टेकन दिस फ्रॉम इनकम टैक्स इंडिया डॉट जीओवी डॉट आई एन वेबसाइट ठीक है इनकम टैक्स की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां पर ब्रीफ हिस्ट्री दी हुई है सारी की सारी ठीक है कि मनुस्मृति में भी टैक्सेशन का मेंशन था और उसके बाद जो और प्रॉपर तरीके से मेंशन आया है वो आया है चाणक्य के अर्थशास्त्र में चाणक्य जिनको कौटिल्य भी बोला जाता है उन्होंने अपनी किताब लिखी थी अर्थशास्त्र और वहां पर उन्होंने टैक्सेशन का मेंशन किया हुआ है ये तो गए एंशियंट टाइम्स की बात मॉडर्न टाइम्स के बारे में बात करते हैं तो पिछले सौ सालों में पिछले सौ सालों में इतने रैपिड चेंजेस हुए ना टैक्सेशन में आओ उन सब की एक ब्रीफ हिस्ट्री समझते हैं ठीक है पिछले सौ सालों में रैपिड चेंजेस हुए ब्रीफ हिस्ट्री एक मैं आप लोगों को टाइमलाइन के थ्रू बताता हूं ठीक है बात करते हैं फर्स्ट 1937 की जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एडॉप्ट किया गया था ब्रिटिश सरकार थी ब्रिटिश सरकार थी इंडिपेंडेंस की बातें चल रही थी और यह हुआ था कि जब ब्रिटिश सरकार जाएगी तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डेवलप किया जाएगा तो इसका एडेप्टेशन हुआ फर्स्ट अप्रैल थर्टी को थ नवंबर 1939 सी राजगोपालाचारी ने एक आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए क्यों क्योंकि हम भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे ठीक है हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो फिफ्टींथ ऑफ नवंबर 1939 को सी राजगोपालाचारी जी ने अपनी वॉइस रेस की कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ जो अगस्त 1940 में एक्सेप्ट की गई उनकी आवाज एक्सेप्ट की गई 1946 में ब्रिटिश से कैबिनेट मिशन आया 1946 में ब्रिटिश से कैबिनेट मिशन आया और इस बारे में बात होनी शुरू हुई कि चलो ठीक है ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू गो एंड टू इंडिया पावर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो सी राजगोपालचार्य जी ने कही थी इसने अपना पहला सेशन स्टार्ट किया ट्वेंटी नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास हुआ और इस असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया

ठीक है क्या क्या जरूरत थी बिकॉज यू मस्ट नो कि कॉन्स्टिट्यूशन आया कहां से तो सर टैक्सेशन का कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कनेक्शन हो गया हम क्या सिविक्स पढ़ने जा रहे हैं क्या हम यहां पर सिविक्स पढ़ने जा रहे हैं क्या मतलब सिविक्स वाली प्रॉब्लम है क्या यहां पर नहीं नहीं यहां पर कोई सिविक्स सिविक्सिक्स नहीं पढ़ रहे यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा टैक्सेशन ही ठीक है लेकिन इस टैक्सेशन के अंदर हम लोगों को करना क्या है कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाई क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं एक है आर्टिकल 265 और एक है आर्टिकल 246। आर्टिकल 265 कहता है कि सरकार गवर्नमेंट टैक्स तभी बना सकती है गवर्नमेंट टैक्स तभी लगा सकती है अगर कानून ने उसको इजाजत दी होगी तो सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये। ठीक है पूरी हेरान की समझना आप राइट यहां पर आर्टिकल 265 कहता है कि गवर्नमेंट टैक्स तभी लगा सकती है अगर उसके बेसिस पर कुछ कानून बना हुआ है तो अब ये कानून कौन बनाता है कानून कौन बनाता है उसके लिए आर्टिकल 246 के सेवेंथ शेड्यूल में तीन लिस्ट है एक है यूनियन लिस्ट दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट में वो सारे के सारे मैटर्स लिस्टेड है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी जी लॉ बना सकते हैं ठीक है स्टेट लिस्ट में वो सारे के सारे मैटर्स लिस्टेड है जहां पर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे मैटर्स लिस्टेड है जहां दोनों सरकारें मिलकर लॉ बना सकती हैं यूनियन लिस्ट की एंट्री 82 में ये लिखा हुआ है टैक्स ऑन ऑल इनकम इसका मतलब क्या हुआ आर्टिकल 246 के सेवेंथ शेड्यूल की यूनियन लिस्ट में वो सारे मैटर्स लिस्टेड हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है ठीक है और इसके अंदर एक एंट्री 82 है जो कह रही है टैक्स ऑन ऑल इनकम मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी इनकम पर टैक्स लगाने का कानून कौन बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है क्या यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है बोलो निस्टेन फॉर वे यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है यूनियन लिस्ट में यूनियन लिस्ट में वो सारे मैटर्स लिस्टेड हैं यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ किस पर बना सकती है एंट्री 82 के रही है है टैक्स ऑन ऑल इनकम इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल एंड हेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी कि वो लॉ बनाए ऑन कलेक्टिंग द टैक्स ऑन ऑल इनकम ठीक है इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के पास एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स बनाने के टैक्स लेने के लिए लॉ बनाने की अथॉरिटी है ठीक है ये आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए था आपके स्टडी मटेरियल में है लेकिन एग्जाम में आने वाली चीज ये नहीं है ठीक है आओ हमारे पास मेजरली दो टाइप के टैक्सेस होते हैं एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है जैसे इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जीएसटी कस्टम्स और एक्साइज ठीक है अब ये इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का क्या फर्क है ठीक है वट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स नाम तो हम लोगों ने देख लिया डायरेक्ट टैक्स आपका इनकम टैक्स हो गया और इनडायरेक्ट टैक्स आपका जीएसटी कस्टम्स और एक्साइज हो गया लेकिन जो एक्चुअल डिफरेंस है ना वाई इज द नीड फॉर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेज वो आप लोगों को आज जीएसटी की क्लास के बाद पता चलेगा ठीक है आज दोपहर को साढ़े तीन बजे हम लोग जीएसटी की क्लास में मिलेंगे तो जीएसटी की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये इनडायरेक्ट टैक्स इसको जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे अभी हम लोग आ जाते हैं अपने डायरेक्ट टैक्स लॉ पर चार चीजें होती है डायरेक्ट टैक्स लॉ में जो हम लोगों को पढ़नी है एक है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि फाइनेंस एक्ट 2023 ने अमेंड किया हुआ है ठीक है

नहीं, वो 1960s का बना हुआ है राइट तो 1961 में अगर इनकम टैक्स एक्ट बना होगा जो कि आज एप्लीकेबल ले है लेकिन क्या वो आज उतना रेलेवेंट होगा कई सारी इनकम्स, कई सारे फाइंस हो सकता है वहां पर जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आपको कोई फाइन मिलेगा सौ रुपए का ठीक है अब आज की डेट में सौ रुपए का फाइन देना कौन सी बड़ी बात है लोगों के लिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनके करोड़ों रुपए के करोड़ों रुपयों के धंधे होते हैं आज अगर आप उन पर बोल दो भाई तुम सौ रुपए का फाइन लग जाएगा ये मत करो वो तो कहेगा भाई तू सौ की जगह पांच रख ला मेरे को इलीगल काम करने दे है कि नहीं वो तो साफ साफ बोलेगा ना तू सौ की जगह पांच रुपए रख मेरे को इलिगल काम करने दे ठीक है फाइन तू सौ हजार रुपए रख तू चिल कर ठीक है तो इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट को हर साल अपडेट किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट को हर साल अपडेट किया जाता है थ्रू समथिंग दैट इज नोन एज एक्ट अभी इसके बारे में में भी हम लोग डिटेल बात करेंगे ठीक है उसके बाद आते हैं आपके इनकम टैक्स रूल्स तो कई बार इनकम टैक्स एक्ट में कुछ कुछ चीजें मेंशन होती हैं लेकिन उसके ऊपर रूल्स आते हैं इनकम टैक्स रूल्स 1962 राइट इनकम टैक्स में जितनी भी चीजें मेंशन है वो सारी की सारी चीजें प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं उसके लिए एक बोर्ड बना हुआ है विच इज नोन एज अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडी ठीक है एक बोर्ड बना हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी आप लोगों को ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन इन योर नोट्स ठीक है सारी चीजें नोट्स में बहुत प्रॉपर तरीके से मेंशन है कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है सिर्फ सुनते रहो ठीक है तो सीबीडीटी क्या है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ये क्या करता है अगर टैक्स लॉज में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे हर साल बजट आता है हर साल आपका फाइनेंस एक्ट आता है हर साल टैक्स लॉ अमेंड होता है राइटर right? उसमें अगर उनमें से कोई चीज होती है जिसको अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है लोगों को तो वो लोग इसके लिए क्या करते हैं वो लोग इसके लिए नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स निकालते हैं ठीक है वो लोग इसके लिए नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स निकालते हैं तो जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन हंड्रेड है वही दे रहा है सीबीडीटी को एक पावर दे रहा है कि भाई तुम ऑर्डर इशू करो इंस्ट्रक्शन इशू करो डायरेक्शन इशू करो लेकिन प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए अब जो चौथी चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जुडिशियल डिसीजन या केस लॉज

ठीक है तो क्या होता है जब ऐसा कोई इंपैस पे रीच करते हैं ये लोग ठीक है जब किसी ऐसी पोजीशन पर आ जाते हैं जहां पर अब समझ ही नहीं आ रहा कि भाई अब कौन सही है कौन गलत है कैसे काम चलेगा कैसे नहीं चलेगा तो उस केस में उस मोमेंट पर यह जाता है कोर्ट्स में केस ठीक है तो हाई कोर्ट में जाता है फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और फिर जो कोर्ट का डिसीजन होता है वही आपका फाइनल हो जाता है कोर्ट क्या करती है कोर्ट लॉ को इंटरप्रेट करती है और लॉ को इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर बताती है कि कौन सी पार्टी सही है लेकिन ये जो केस लॉज है ये हमारे सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है ठीक है तो ये आप लोग इसे फाइनल में पढ़ोगे इंटरमीडिएट लेवल पर हम लोग यही तीन चीजें पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम टैक्स रूल्स 1962 और नोटिफिकेशनस एंड सर्कुलर्स इशूड बाय सीबीडीटी क्या यहां तक की बात आप सब को समझ में आ रही है बोलो निस्टेन फॉर रे वर जल्दी बताइए सर क्या यहां तक की आप लोगों को सारी बातें कायदे से समझ में आ रही है क्या यहां तक की बातें आप सबको समझ में आ रही है बोलो बोलो स्टेट स्टेट ऑल क्लियर बढ़िया मजा आ रहा है अभी तक तो जितने भी लोग YouTube पर देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दो ना यार जितने भी लोग YouTube पर देख रहे हैं आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए ना ठीक है ना अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो ठीक है ऑल राइट तो पार्थ पूछ रहे हैं सर रूल्स एंड नोटिफिकेशन सर्कुलर्स में क्या डिफरेंस है अभी आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा ठीक है धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा एक चीज और बहुत पेशेंस पेशेंस uh, के साथ आपको यहां पर रहना होगा ठीक है बहुत पेशेंस के साथ आपको यहां पर रहना होगा रूल्स नोटिफिकेशन सर्कुलर्स जितनी भी चीजें हैं सबके इवेंचुअली मैं आप लोगों को डिफरेंसेस बताता रहूंगा जितनी भी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करता रहूंगा ठीक है आओ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइनेंस एक्ट के बारे में ठीक है फाइनेंस एक्ट के बारे में तो होता क्या है हर साल फर्स्ट फेब्रवरी को हर साल फर्स्ट फेब्रवरी को जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है वो बिल को प्रेजेंट करती है उस बिल का अप्रूवल किया जाता है और उसके बाद उसके अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है ठीक है तो फाइनेंस बिल का प्रेजेंटेशन कैसे होता है तो को को हर साल फाइनेंस मिनिस्टर एक बजट प्रेजेंट करती हैं आप लोगों ने नाम सुना होगा बजट को लेकर बहुत ज्यादा हुआ रहता है ठीक है न्यूज में भी बहुत ज्यादा आता रहता है और पूरा सोशल मीडिया बजट से भरा हुआ रहता है कि फर्स्ट फेब्रवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी अब बजट प्रेजेंट करने वाली है ठीक है लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है ट्विस्ट क्या है कि जो इलेक्शन वाला ईयर होता है ना जैसे 2024 जो अभी चल रहा है इस समय 2024 इलेक्शन ईयर है राइट अभी मई में इलेक्शन होगा और उसके बाद देखते हैं कि कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी राइट तो अभी जो बीजेपी सरकार की गवर्नमेंट चल रही है जो बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है तो उनका ये लास्ट ईयर चल रहा है एज ऑफ नाउ बिफोर इलेक्शन इलेक्शन के बाद हो सकता है फर्स्ट फेब्रवरी right? तो को इस साल भी बजट दिया लेकिन यह वाला जो बजट है यह एक इंटेरिम बजट कहलाता है यह इंटेरिम बजट कहलाता है यह फाइनल बजट नहीं है फाइनल बजट नहीं है यह एक इंटेरिम बजट है इंटेरिम बजट का मतलब क्या हो गया कि ठीक है अभी फिलहाल के लिए जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते जब तक नई पार्टी नहीं आ जाती जब तक नई सरकार नहीं बन जाती तब तक के लिए ये सारी चीजें हैं एक बार इलेक्शन हो जाएंगे जो भी पार्टी पावर में आएगी वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर से एक फ्रेश बजट की स्पीच करवाएगी तो इस साल 2024 में दो फाइनेंस एक्ट आने वाले हैं फाइनेंस एक्ट नंबर वन जो कि आ चुका है फर्स्ट फर्स्ट फेब्रवरी ट्वेंटी फोर को ठीक है और फाइनेंस नंबर टू एक्ट आएगा जो कि इलेक्शंस के बाद आएगा आपके एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी रेलिवेंट नहीं है नवंबर 2024 के लिए इन दोनों फाइनेंस एक्ट में से कोई भी रेलिवेंट नहीं है नवंबर 2024 के के लिए, हमें जा रहे? 23, पिछले साल का फाइनेंस एक्ट पढ़ा रहे बताओ ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बस थोड़ा सा होल्ड थोड़ा सा वेट करोगे ना आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी कि क्यों आपके सिलेबस में फाइनेंस एक्ट 23 थ्री रेलिवेंट है ठीक है तो फाइनेंस एक्ट आप लोगों के के सिलेबस जैसे ही बिल पास होता है दोनों हाउसेज उसको अप्रूव करते हैं प्रेसिडेंट साइन करते हैं और उसके बाद उस बिल के जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं ठीक है थीके? जो

जल्दी से मुझे बताओ फाइनेंस एक्ट 23 या 24 आप लोगों की नवंबर ट्वेंटी थ्री एप्लीकेबल है ठीक वेरी गुड आयुषी आयुष गर्भ वेरी गुड आप सब लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी थ्री इज एप्लीकेबल फॉर नवंबर 24 एग्जाम्स ठीक है क्यों अभी इसका रीजन हम लोग समझेंगे ठीक है और अब आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग पर जाएंगे अभी तक मजा आ रहा है अभी तक कुछ नई नई चीजें पता चल रही है इंटरेस्टिंग लग रहा है मजा आ रहा है फटाफट से बता दो मेरे को अभी तक आयु गोफार ये इंजॉइंग वंदना जय देव दिवाशु समीर माही जयदीप इशिका

तो अ पर्सन हु इज़ इज़ रिक्वायर्ड टू टैक्स सिंपल एक ऐसा पर्सन जिसको टैक्स पे करना है वो असेसी कहलाता है ठीक है एक ऐसा पर्सन जिसको टैक्स पे करना है वो असेसी कहलाता है सिंपल बात हो गई अब मुझे एक बात बताओ यहां पर लिखा है अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स व्हाट डू यू नेचुरली अंडरस्टैंड बाय द टर्म पर्सन पर्सन वर्ड से आप लोग क्या समझते हो चार्ट सेक्शन में मेरे को आंसर चाहिए पर्सन वर्ड से वेन यू हियर ऑफ द वर्ड पर्सन पर्सन वर्ड से आप लोग क्या समझते हो नॉर्मली जिन लोगों ने वार्म अप किया है उनसे उनसे बात नहीं उनसे बात नहीं नहीं कर कर रहा रहा मैं मैं जिन लोगों ने वार्म अप बैच किया वो लोग कुछ कुछ बताएंगे ठीक है पार्थ कह एक आदमी इंसान नेचुरल पर्सन इंडिविजुअल ओके बहुत बढ़िया वार्म अप वालों से बात ही नहीं कर रहा मैं मैन और वेमेन तनु वेरी गुड ओके ओके बहुत बढ़िया ह्यूमन बहुत बढ़िया वेरी नाइस nice, बहुत बढ़िया। तो पर्सन में ना पर्सन में सात चीजें आती हैं पर्सन की डेफिनेशन में सात चीजें आती हैं सबसे पहले आता है इंडिविजुअल ठीक है इंडिविजुअल जैसे निशांत कुमार एक इंडिविजुअल हो गया ये एक पर्सन हो गया ठीक है उसके बाद आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो जैसे ही किसी भी एक इंडिविजुअल की शादी हो जाती है ठीक है उसकी बन जाती है मेरी शादी हुई 30 नवंबर 2019 को चारू अग्रवाल से ठीक है तो जैसे ही मेरी शादी हुई मेरी automatically एक बन गई उसको वगैरह मेरे को कराना पड़ेगा लेकिन फिर भी मतलब कर, करा हुआ है लेकिन फिर भी आई एम जस्ट टेलिंग यू जैसे ही शादी हो जाती है तो आई एम एलिजिबल टू क्रिएट एन इसको भी पर्सन की डेफिनेशन में माना जाता है क्यों अभी पता चलेगा ठीक है कंपनी ये ये सारे भी भी हैं। हैं। लॉ की की नजर में ये भी की में आती नहीं तो लोग क्या करेंगे मैंने अपने नाम पर एक कंपनी खोल ली ठीक है मैंने अपने नाम पर एक खोल ली, ठीक है? पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया कंपनी का मैंने कहा मैं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है यार मैंने कंपनी से अपनी सैलरी ले ली सपोज दस महीना तो साल भर में मेरे पास कितना है एक लाख बीस हजार रुपए

ठीक है जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं तो उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहा जाता है मतलब दो कंपनीज मिलकर एक एसोसिएशन बन गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक इंडिविजुअल एक पार्टनरशिप फर्म मिलकर एक एसोसिएशन बन गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक पार्टनरशिप फर्म या कंपनी मिलकर एसोसिएशन बन गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन और दूसरी चीज होती है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या होता है जब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं उसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहा जाता है ठीक है तो मेजर डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में एसोसिएशन ऑफ में जब आपके पास दो या दो से ज्यादा पर्सन वो पर्सन कोई भी हो सकते हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं वो एच यू एफ भी हो सकते हैं वो कंपनी भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कब बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हम लोग तब बोलेंगे जब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स मिलकर एक एसोसिएशन बनाएंगे तब ठीक है लोकल अथॉरिटी आपकी जो म्यूनिसिपल कमेटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह होते हैं ये भी सारे के सारे पर्सन होते हैं एंड फाइनली वी हैव आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल ज्यूरिडिकल पर्सन पर्सन मतलब इन छह कैटेगरीज में अगर कोई चीज बच गई तो वो आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में आ जाती है जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ठीक है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन बार काउंसिल यूनिवर्सिटीज स्कूल्स ठीक है तो अब ये कोई कंपनी नहीं है कोई फर्म नहीं है कोई इंडिविजुअल नहीं है कोई एच नहीं है तो स्कूल यूनिवर्सिटीज बार काउंसिल वगैरह ये सब कहा गई आर्टिफिशियल ज्यूरिटिकल पर्सन आपको ये सातों के साथ ऐसे बाय हार्ट रटने की कोई जरूरत नहीं है ऑटोमेटिकली आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी ठीक है चलो तो अब यहां पर हमारे पास सात चीजें आ गई सात चीजें आ गई सबसे पहले आ गया इंडिविजुअल निशांत कुमार जैसे आप आप सारे के सारे इंडिविजुअल आप पर्सन हो दूसरी चीज आ गई आपके पास हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जैसे जैसी मेरी शादी हुई निशांत कुमार एचयूएफ आ गया मेरे पापा की शादी हुई अरुण कुमार एच आ गया एच से रिलेटेड चीजें हम लोगों के सिलेबस में नहीं है तो उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा हम लोग यहां पर बातें करेंगे नहीं Company, एक आता है जो प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड हो हो गई हो गई रिलायंस इंडस्ट्रीज शुचिता प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड हो गई टीसीएस uh, हो गई टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड हो गई एंड सो ऑन पार्टनरशिप फर्म्स आपकी बहुत सारी हैं आप लोग जानते ही होंगे पार्टनरशिप फर्म्स को एलएलपी भी इसके अंदर आ जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाता है लोकल अथॉरिटीज आ जाती हैं और आर्टिफिशियल ज्यूरिकल पर्सन आ जाते हैं है है। ये सात पॉइंट्स क्लियर हुए सबको ये सात पॉइंट्स सबको क्लियर हुए ये सात पॉइंट सबको क्लियर हो रहे हैं फटा फटाफट से बता दो यस uh, uh. ये सात पॉइंट सबको क्लियर हो रहे हैं यस बहुत बढ़िया कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है सब कुछ आप लोगों के नोट्स में दिया हुआ है सब कुछ बुक में दिया हुआ है सब कुछ आपके नोट्स में दिया हुआ है कोई नोट्स नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जब तक मैं ना कहूं तब तक कोई कुछ नहीं लिखेगा ठीक है जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक कोई कुछ नहीं लिखेगा पर्सन वाली चीज क्लियर हो गई है दो टर्म्स अभी हम लोग समझ चुके हैं हम असेसी का मतलब समझ चुके हैं और हम पर्सन का मतलब समझ चुके असेसी मतलब एक ऐसा जिसको दे रहे हैं और पर्सन में ये आती है तीसरे पर आते हैं रियल टैक्सेशन स्टार्ट एक्चुअली रियल टैक्सेशन स्टार्ट हो भी चुका है ठीक है बट दिस इज टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल दिस इज एक्चुअली टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल ध्यान से सुनना हेड्स ऑफ इनकम के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं हेड्स ऑफ इनकम बेसिकली आपकी पूरी की पूरी इनकम को कैटेगराइज करने का एक तरीका होता है ठीक है जैसे आप सोचो कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए ठीक है और आपने सबसे पहले मोस्ट ऑफ यू सबसे पहले आप लोग क्या सोचोगे मोस्ट ऑफ यू मोस्ट ऑफ यू विल थिंक अबाउट वॉट बनने के बाद क्या करना है सीए बनने के बाद क्या करना करना है है मैं आपसे भाई सीए बनने के बाद क्या क्या आप लोग बोलोगे चैट सेक्शन में आंसर दो मेरे को सीए बनने के बाद क्या करना है आप लोग जब भी सीए सीए बनोगे बनने के बाद क्या करोगे चैट सेक्शन में आंसर दो मेरे को क्या करोगे क्या करोगे सीए बनने के बाद क्या करोगे जॉब यस क्लियर बात है सीए बनने के बाद जॉब करनी है पैसे उड़ाने उड़ाने से पहले कमाने भी तो पड़ेंगे आयुष ठीक है पेरेंट्स के लिए गिफ्ट वेरी गुड बहुत बढ़िया जॉब और प्रैक्टिस जॉब और प्रैक्टिस ठीक है पैसे कैसे कमाए ये चीज आ गई आपकी राइट right? प्रैक्टिस कई सारे लोग कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं प्रैक्टिस मैक्सिमम लोग कह रहे हैं जॉब जॉब में आपको क्या मिलती है जॉब में आपको क्या मिलती है क्या मिलती है? क्या मिलती है? क्या मिलती है है जॉब में आपको जो पैसे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं वट इज अ टेक्निकल टर्म फॉर द मनी दैट यू रिसीव इन अ जॉब जॉब में आपको क्या मिलती है सैलरी जॉब में आपको क्या मिलती है सैलरी ठीक है सिंपल जॉब में आपको मिलती है सैलरी तो सबसे पहली कैटेगरी जो आपकी इनकम की आएगी वो आएगी इनकम फ्रॉम सैलरी सबसे पहली कैटेगरी ठीक है है अब सैलरी तो आपने कमा ली हो हो सकता है, हो सकता है कि आप किसी एक मकान में रह रहे हो ठीक है और आपको जॉब के लिए किसी दूसरी जगह जाना पड़े ध्यान से सुनना हो सकता है जैसे मैं यहां पर प्रयागराज में रह रहा हूं ठीक है प्रयागराज में, में मेरा खुद का मकान है अब मुझे जॉब के लिए सपोज नोएडा जाना है तो प्रयागराज वाला मकान तो खाली पड़ा है तो मैं क्या करूंगा मैं इस मकान को किराए पर चढ़ा दूंगा मैं इस मकान को किराए पर चढ़ा दूंगा मैं इस मकान में रह नहीं रहा हूं कोई घर वाला इस मकान में रह नहीं रहा है मैं नोएडा चला गया नौकरी करने के लिए अब इस वाले मकान में क्या होगा पड़ा पड़ा सड़ रहा है तो मैंने क्या किया मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस मकान को किराए पर चढ़ा दूं मैंने इसको किराए पर चढ़ा दिया मेरे पास आया रेंट मेरे पास क्या आया इससे मेरे पास आया रेंट ये जो रेंटल इनकम होती है इसको कैटेगराइज किया जाता है अंडर द कैटेगरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसको कैटेगराइज किया जाता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये जो पांच कैटेगरीज हैं इन पांचों कैटेगरीज को हेड्स बोला जाता है ठीक है तो ये दूसरी कैटेगरी आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तीसरी चीज तीसरी चीज मैंने जॉब कर ली मकान किराए पर चढ़ा दिया मैं जॉब से फ्री हो जाता हूं शाम को 7 बजे ठीक है मैं जॉब से फ्री हो जाता हूं शाम को 7 बजे सात बजे मैं फ्री होकर साढ़े सात बजे तक घर आ जाता हूं ठीक है कभी कभी दोस्तों के साथ कभी कभी ऑफिस के कोलग्स के साथ बाहर पार्टी वार्टी करने चला जाता हूं लेकिन मैं साढ़े सात बजे तक घर वापस आ जाता हूं और जब मैं घर वापस आ जाता हूं तो मैं अपना फ्री का काम करता हूं यहां पर कई सारे लोगों ने चैट में लिखा कि पहले जॉब करेंगे उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे ठीक है पर कई सारे लोगों ने कहा था कि सीए बनने के बाद हम लोग पहले जॉब करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे फ्री आपको बताए मैं दो हजार पंद्रह में मैंने जॉब ज्वाइन की थी जेपी वसंत कॉन्टिनेंटल होटल्स में दिल्ली में ठीक है तो वहां पर अकाउंट डिपार्टमेंट में फाइनेंस सुपरवाइजर था ठीक है तो वहां पर जब मैं जॉब कर रहा था तो जॉब करके मैं घर वापस आता था और मैंने ट्यूशंस पढ़ाने शुरू कर दिए थे ठीक है अपनी ही बिल्डिंग के स्टूडेंट्स को मैं ट्यूशन पढ़ाता था अकाउंट्स पढ़ाता था इलेवेंथ और ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स को राइट तो मैं जॉब कर रहा था और शाम को वापस घर आकर मैं क्या कर रहा था ट्यूशंस पढ़ा रहा था क्या ये मेरा बिजनेस हो गया ऑफ कोर्स ये मेरा बिजनेस हो गया तो इससे जो इनकम मेरे पास आएगी उसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन क्या ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही है क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है इसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे अंडर द हेड इनकम प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन यस यस अब मान लो मैं मैं डिसाइड करता हूं हूं कि परमानेंटली नोएडा रहने वाला ठीक है अभी मैं जॉब के लिए गया था ध्यान से सुनना अभी मैं जॉब के लिए गया था मैंने डिसाइड किया मैं परमानेंटली नोएडा शिफ्ट होने वाला हूं अब मैं प्रयागराज वाले मकान का क्या करूं अब मैं प्रयागराज वाले मकान का क्या करूं अभी तक तो मैंने उसको किराए पर दे रखा था ठीक है अब मुझे अपना बिजनेस भी सेटअप करना है मैं थोड़ा बहुत तो ट्यूशन पढ़ाई रहा हूं मेरा मन है कि नहीं मैं तो प्रॉपर फेस टू फेस क्लासेस खोलूंगा और प्रॉपर एक्सपेंडिचर करके मैं अपना एक स्टूडियो बनाऊंगा वहीं पर नोएडा में ठीक है तो मैं अपने प्रयागराज वाले मकान का क्या करूं मैं इसको बेच दूंगा इसको बेचने से जो पैसा आएगा वो कैटेगराइज होगा अंडर द हेड कैपिटल गेंस तो जब भी मेरे पास कोई कैपिटल एसेट होता है ठीक है अब यहां पर सवाल आएगा भाई कैपिटल एसेट क्या होता है हम इन पांचों हेड्स के बारे में ना इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं, जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले

पैसा कमाओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ठीक है कौन बनेगा करोड़पति में चले जाओ पैसा कमाओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करो डिविडेंड आएगा इनकम फ्रॉम अदर बैंक में पैसा इन्वेस्ट करो इंटरेस्ट आएगा इंटरेस्ट कहां से इनकम फ्रॉम अदर ठीक है तो कई सारे ऐसे ऐसे सोर्सेज ऑफ इनकम है जो आपके इन चारों में नहीं है मम्मी ने या पापा ने गिफ्ट कर दिया आपके किसी दोस्त ने आपको कुछ गिफ्ट कर दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ठीक है अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे सर अगर हमारी ये वाली इनकम होगी तो यह कौन से हेड में जाएगी इस टाइप के सवाल आ रहे हैं <स्थारिण> सर अगर हमारी मान लो ये वाली इनकम है सर, मैं ऐसा कर सर, मैं ऐसा कर तो ये कौन से इक्कीस दिन में पैसा डबल बहुत बढ़िया अंकित ठीक है आज पांच सौ दो कल पांच हजार ले जाओ आशुतोष ये वाली स्कीम में मेरे को भी इन्वेस्ट करना है बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू अच्छा बहुत बढ़िया ठीक है कई सारे लोगों के मन में यह सवाल आ रहे होंगे कि सर अगर मेरी यह वाली इनकम है तो यह इन पांचों में से कौन से वाले हेड में जाएगी मेरी सपोज वाली इनकम है इन पांचों में से कौन से वाले हेड में जाएगी ठीक है तो अब ऐसे केस में हम लोगों को इंडिविजुअली चैप्टर्स के अंदर जाना होगा वो हम लोग इंडिविजुअली जाएंगे ठीक है तो अब कई सारे लोगों के दिमाग में यह भी डाउट आ रहा होगा कि सर आपने प्रयागराज वाली हाउस प्रॉपर्टी जब अपनी बेची तो उससे इनकम कैपिटल गेंस में क्यों गई हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड के अंदर क्यों नहीं गई कई सारे लोगों के अंदर यह भी सवाल आ रहा होगा कि सर जब आपने प्रयागराज वाली अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया तो उससे जो भी प्रॉफिट कमाया वो कैपिटल गेन्स में क्यों गया वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्यों नहीं गया तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कई सारे लोगों के दिमाग में तो एक सिंपल डाउट आ रहा होगा सर ये सारी नॉनसेंस करने की क्या जरूरत थी आराम से पूछ लो साल भर में टोटल कितना पैसा कमाए हो और अगर ये एक बार पता चल जाए कि साल भर में टोटल कितना पैसा कमाए हो तो उस पर उतना टैक्स दे दो और का यस यस आराम से पूछ लो कि भाई साल भर में कितना पैसा कमाए जितना भी पैसा हो उसको ये पांचों में डिवाइड करने की जरूरत ही क्या थी यार ठीक है अब मैं आपको बताता हूं इन पांचों करने की जरूरत इसीलिए थी क्योंकि हर हेड के अलग अलग हेड के अलग अलग हैं आपको पता है अगर आपकी सैलरी सपोज 12 लाख ,00 है अगर आपकी सैलरी सपोज 12 लाख रुपए है मैं एक एकदम रफ फिगर बता रहा हूं आपको हम लोग डिटेल में जाएंगे जब एक-एक हेड के के चैप्टर अंदर जाएंगे ठीक है अगर आपकी सैलरी सपोज 12 लाख रुपए है तो आपकी टैक्सेबल इनकम सिर्फ साढ़े ग्यारह लाख मानी जाएगी फिफ्टी थाउजेंड रुपीज सरकार आपको देती है डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन ठीक है अगर आपकी सैलरी

थर्टी परसेंट फ्लैट जाओ डिडक्शन ले लो इसका और सिर्फ सेवेंटी को इनकम मानकर टैक्स दो ठीक है तो हर कैटेगरी के अंदर अलग अलग रूल्स है हर कैटेगरी में अलग अलग ऐसे नियम है ऐसे कायदे हैं ऐसे कानून हैं जिनकी वजह से हर कैटेगरी की इनकम अलग से आपको कैलकुलेट करनी होती है और हर कैटेगरी में टैक्स के रेट्स भी अलग अलग हो जाते हैं कई सारी कैटेगरी में टैक्स के रेट्स अलग अलग हैं ठीक है तो इस वजह से इन पांचों कैटेगरीज में आपकी इनकम को इन आपकी इनकम को बाइफरकेट किया हुआ है डिवाइड किया हुआ है जैसे जैसे हम लोग ये वाले सब्जेक्ट में आते रहेंगे ना जैसे जैसे हम लोग टैक्स में आते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे इतना मजा आएगा क्योंकि आप लोग सारी चीजें प्रैक्टिकली साथ साथ अप्लाई करते रहोगे मैं आप लोगों को कितनी बार इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ले जाकर प्रैक्टिकल चीजें दिखाता रहूंगा बहुत मजा आएगा बहुत ज्यादा मजा आएगा अभी एक थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है कि क्यों इन पांच कैटेगरीज में डिवाइड किया गया और इनका फायदा क्या है ठीक है जल्दी बताओ मेरे को अभी आप थोड़ा बहुत एक लग रहा है कि इन में किया गया और क्यों इनमें uh, तो, तो फिर हम लोगों को पता चलता लेकिन अभी एक मोटा, -मोटा आइडिया लग पा रहा है? Yes. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है तीन टर्म्स हम लोग यहां पर सीख चुके हैं कौन कौन से तीन टर्म्स हो गए एक हम लोगों ने सबसे पहले सीखा टर्म अस एसी क्या हुआसी वो हुआ पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू टैक्स सिंपल कौन हुआ पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ठीक है पर्सन में सात चीजें आ जाती हैं इंडिविजुअल एच यू एफ फर्म कंपनी आपका लोकल अथॉरिटी आर्टिफिशियल ज्यूरिटिकल पर्सन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सात चीजें आ जाती है

ठीक है और इसको जब हम प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर वाले को एक बार समझ लेंगे ना तो आपका जो वो डाउट आ रहा था ना कि भी भी तो देखो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक सिंपल ईयर और असेसमेंट ईयर का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट से सुनना ठीक है एक बार आप लोगों ने समझ लिया उसके बाद सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा जैसे जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है टाइप के इज होते हैं ठीक है अब चार टाइप के ईयर्स होते हैं अभी तक आप लोगों को कैलेंडर ईयर पता है आप लोगों को कैलेंडर ईयर पता है ठीक है आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर पता है ठीक है कैलेंडर ईयर फर्स्ट जनवरी से थर्टी फर्स्ट मार्च तक चलता है सॉरी थर्टी फर्स्ट डिसंबर तक चलता है ठीक है और जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो फर्स्ट अप्रैल से थर्टी फर्स्ट मार्च तक चलता है यस yes? जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है वो फर्स्ट अप्रैल से थर्टी फर्स्ट मार्च तक चलता है ठीक है फिर एक चीज आती है प्रीवियस ईयर और एक चीज आती है असेसमेंट ईयर आपको पता है प्रीवियस ईयर भी फर्स्ट अप्रैल से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च तक चलता है और ईयर भी फर्स्ट अप्रैल से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च तक चलता है अरे सर तो क्या ही है मतलब ये मतलब, मतलब क्या है ये मतलब फिर क्या मतलब क्या है ये क्या नॉनसेंस नहीं है आओ इसको समझते आओ इसको समझते लेट्स से अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ठीक है लेट्स से क्या अभी चल ही रहा है अभी चल ही रहा है तो फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी थ्री फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर और ये हो गया आपका थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फाइव आप लोगों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है जहां लिखने की जरूरत होगी मैं आपको स्वयं बताऊंगा ठीक है बिल्कुल भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है जस्ट फोकस ऑन वट्स देयर जस्ट फोकस ऑन जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं ठीक है सपोज तो ये कौन सा हो गया ये हो गया फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर और ये हो गया फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ये फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर फाइनेंशियल इयर ट्वेंटी फाइनेंशियल ईयर में दस लाख रुपए कमाए सपोज आपने इस फाइनेंशियल ईयर में दस लाख रुपए कमाए, कमाए. ठीक है अब इस दस लाख रुपए पर ये तो आपकी हो गई इनकम ये हो गई आपकी इनकम ठीक है इनकम आपने कब कमाई फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में लेकिन इस कमाई हुई इनकम पर आप टैक्स कब दोगे आप इस पर टैक्स दोगे फाइनेंशियल ईयर 24 25 में ठीक है आप इस पर टैक्स दोगे फाइनेंशियल ईयर 24 25 में तो आपने प्री आपने फाइनेंशियल ईयर 23 24 में पैसा कमाया और उस पर टैक्स कब दिया फाइनेंशियल ईयर 24 25 में आपने उस पर टैक्स दे दिया तो इस साल आपने पैसा कमाया और अगले साल आपने पैसा इस पैसे पर टैक्स दिया अब सुनो तो अगर हम इस इनकम के बारे में बात करेंगे अगर हम इस इनकम के बारे में बात करेंगे तो इस इनकम से एसोसिएटेड दो साल है एक फाइनेंशियल ईयर तेईस चौबीस और दूसरा फाइनेंशियल ईयर चौबीस पच्चीस यस अगर हम इस दस लाख रुपए की इनकम से रिलेटेड बात करें तो इस इनकम से रिलेटेड इस इनकम से एसोसिएटेड दो साल है फाइनेंशियल ईयर तेईस चौबीस फाइनेंशियल ईयर चौबीस पच्चीस तेईस चौबीस क्या जब कमाया तेईस चौबीस में पैसा कमाया और चौबीस पच्चीस में इस पर टैक्स दिया तो इस दस लाख रुपए की इनकम को जिस साल आप कमाते हो उस साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर उस साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर और जिस साल आप इस कमाई हुई इनकम पर टैक्स पे करते हो जिस साल आप इस कमाई हुई इनकम पर टैक्स पे करते हो उस साल को बोलते हैं क्या असेसमेंट ईयर उसको क्या बोलते हैं असेसमेंट ईयर एकदम सिंपल सा फंडा ठीक है जिस साल आपने पैसा कमाया वो हो गया प्रीवियस ईयर जिस साल आपने इस कमाए हुए पैसे पर टैक्स पे किया वो क्या हो गया वो हो गया आपका असेसमेंट ईयर ठीक है तो हम लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 10 लाख रुपए कमाए तो इस 10 लाख रुपए के लिए फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी कॉल्ड द प्रीवियस ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आप इस कमाए हुए पैसे पर टैक्स पे करोगे तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 विल बी कॉल्ड व्हाट द असेसमेंट ईयर तो क्या यह बात आप लोगों को यहां पर समझ में आ रही है क्या ये बात आपको समझ में आ रही है पीरियड इन विच ए पर्सन अर्न द इनकम इज नोन एज प्रीवियस इयर इन रिस्पेक्ट ऑफ दट इनकम एंड द पीरियड इन विच द पर्सन पेज टैक्स ऑन दिस इनकम इज नोन एज दर तो फॉर एक्साम्पल इफ अर्सन अर्न इनकम इन फाइनेंशियल फोर ही रिक्वेयर टू पे टैक्स ऑन इट इन दशियल ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव फॉर दी इनकम अर्न इन is 23-24 and प्रीवियस ईयर इज 24-25 कई सारे लोग previous year का वो अंग्रेजी वाला समझ लेते हैं पिछला साल नॉट exactly पिछला साल नॉट exactly पिछला साल टेक्निकली ये yes, पिछला साल लेकिन नॉट एक्टली exactly पिछला साल क्यों क्योंकि अगर आप कोई फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स में इनकम कमाने वाले हो क्या फाइनेंशियल अभी आया है नहीं तो क्या आप उसको फ्यूचर ईयर बोलोगे नहीं आप उसको तब भी ईयर ही बोलोगे इनकम अर्न इन द प्रीवियस इनकम ट्वेंटी तो जिस साल आप पैसा कमाते हो वो प्रीवियस ईयर कहलाता है और जिस साल आप इस कमाए हुए पैसे पर टैक्स पे करते हो वो असेसमेंट ईयर कहलाता है क्या यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है अंडरस्टूड वेरी गुड मोहित ठीक है यस माही यू आर एब्सोल्युटली राइट इसीलिए वी आर स्टडीिंग फाइनेंस एक्ट 2023 हम फाइनेंस एक्ट 23 क्यों पढ़ रहे हैं हम फाइनेंस एक्ट 23 इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फाइनेंस एक्ट 23 में जितने भी चेंजेस आए हैं वो कब से कब तक हैं वो फर्स्ट अप्रैल वो फर्स्ट अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक एप्लीकेबल है तो भाई साहब आप जब एग्जाम दोगे तो नवंबर 2024 में दोगे आप एग्जाम नवंबर 2024 में दोगे नवंबर 2024 में आप किस चीज का असेसमेंट असेसमेंट करोगे? करोगे। जो इनकम पर कमाई गई, उसका आप रीजन व्हाई वी आर स्टडिंग फाइनेंस एक्ट 23 क्या ये बात आप सब को समझ में आ गई है बोलो निश्चय निश्चय बोलो निश्चय 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 निष्ठेन, निश्चय निश्चय बहुत बढ़िया निष्ठे अमेजिंग टू गुड टू गुड दिस इज मजा आ गया ठीक है ठीक है आओ एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं एक बार फटाफट से हम लोग रिवाइज करते हैं फटाफट से हम लोग यहां पर इसको रिवाइज करते हैं सबसे पहला टर्म जो हम लोगों ने बात की वो क्या था वो था एस अच्छा चलो मैं ना आप लोगों से सवाल पूछता हूं <coughs> मैं अपना रिविजन नहीं कर रहा आई लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू ठीक है आई लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू लेट सी आप लोगों को कितना याद है कितना नहीं याद है ठीक है सी आप लोगों को कितना याद है कितना याद नहीं है और उतने अ पर्सन हु इज टू पे टैक्स इज नोन एज वॉट चैट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए मुझे सबके आंसर यहां पर चाहिए तभी मजा आएगा ठीक है नहीं तो मैं मोनोलॉग चलता रहेगा लाइव क्लास का कोई मतलब ही नहीं है ना फिर तो मैं ही कर दू फटाफट से बताओ अ पर्सन टू पे टैक्स इज नोन एज असेसी वेरी गुड वेरी गुड जैसे ही किसी इंडिविजुअल की शादी हो जाती है क्या बन जाता है जैसे ही किसी इंडिविजुअल की शादी हो जाती है तो क्या बन जाता है कमॉन जैसे ही किसी इंडिविजुअल की शादी हो जाती है क्या बन जाता है वेरी गुड एच यू एफ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पर्सन में टोटल कितनी कैटेगरीज है पर्सन के अंदर टोटल कितनी कैटेगरीज है पर्सन के अंदर टोटल कितनी कैटेगरीज है वेरी गुड सात वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पर्सन के अंदर टोटल सात कैटेगरीज हैं ठीक है इंडिविजुअल एच यू एफ कंपनी फर्म इंक्लूडिंग एल एल पी एपी बीओ आई और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन ठीक है एक और लोकल अथॉरिटी भी है लोकल अथॉरिटी ठीक है तो सात कैटेगरीज हैं पर्सन के अंदर सात कैटेगरीज हैं पर्सन के अंदर ओके okay. हमारे पास टोटल हेड्स ऑफ इनकम कितने हमारे पास टोटल हेड्स ऑफ इनकम कितने कितने टोटल हेड्स ऑफ इनकम है टोटल कितनी कैटेगरीज ऑफ इनकम है टोटल नंबर ऑफ हेड्स ऑफ इनकम टोटल हेड्स ऑफ इनकम टोटलॉयेशनशिप की वजह से आपको पैसा मिलता है तो उस पैसे को क्या कहते हैं है? अगर इंप्लॉयर इंप्लॉय के रिलेशनशिप की वजह से पैसा मिलता है तो वो वाला पैसा कौन से हेड में टैक्सेबल होता है वेरी गुड इनकम फ्रॉम सैलरीज बहुत बढ़िया मैं अगर अपनी जमीन बेच दू और जमीन बेचने पर मुझे प्रॉफिट हुआ मैं अगर अपनी जमीन बेच दू और जमीन बेचने पर मुझे प्रॉफिट हुआ तो इस प्रॉफिट को कौन से हेड में टैक्सेबल किया जाता है वेरी नाइस ब्यूटिफुल कैपिटल गेन्स बहुत बढ़िया अपनी जमीन बेच दूं और जमीन बेचने पर प्रॉफिट हुआ तो उसको कैपिटल गेन्स बोला जाता है ठीक है अगर जमीन खरीदना बेचना मेरा धंधा ही है मान लो मेरा बिजनेस है ठीक है मान लो ये मेरा बिजनेस है मेरा बिजनेस क्या मैं रियल एस्टेट में हूं ठीक है और मेरा बिजनेस ही है मैं खरीदता हूं जमीने बेचता हूं बेचता तो अगर जमीने खरीदना बेचना मेरा धंधा है और तब मैं जमीन बेचकर कुछ प्रॉफिट कमाता हूं कौन से हेड में टैक्सेबल होगा वेरी गुड ब्यूटिफुल पीजीबीपी प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन बहुत बढ़िया परफेक्ट हो गई ये बात परफेक्ट हो गई ये बात मेरे पापा ने मुझे चार लाख रुपए गिफ्ट कर दिए सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से मेरे पापा ने सपोज मुझे चार लाख रुपए गिफ्ट कर दिए मैंने उस चार लाख रुपए को बैंक में इन्वेस्ट किया बैंक वाला मेरे को इंटरेस्ट दे रहा है ये इंटरेस्ट इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी ये इंटरेस्ट इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी इंटरेस्ट इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे पास एक मकान है मेरे पास एक मकान है मैंने उस मकान को किराए पर दे रखा है किराया आ रहा है ये किराया वाली इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी ये किराए वाली इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी किराए वाली इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वेरी गुड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अच्छा अब सवाल में क्विस्ट सवाल में क्विस्ट <coughs> ये हाउस प्रॉपर्टी मेरी नहीं है ये जो मकान है ये मेरा मकान नहीं है ये मेरे एक दोस्त का मकान है और उससे मैंने रेंट पर लिया हुआ है ठीक है मेरा दोस्त ओनर ऑफ हाउस ओनर ऑफ हाउस से रेंट पर लिया हुआ है मैंने मैंने इससे अपने दोस्त से मकान को रेंट पर लिया हुआ है और मैंने इसको आगे किसको दे रखा है सपोज संध्या को दे रखा है ठीक है मैंने सपोज इसको संध्या को दे रखा है मैंने संध्या को किराए पर दिया हुआ है संध्या मुझे किराया देती है संध्या मुझे किराया देती है यह वाला किराया कौन से हेड में टैक्सेबल होगा क्या ये वाला किराया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा क्या यह किराया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा बहुत बढ़िया ये होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होने की कंडीशन है कि ओनर आप होने चाहिए ठीक है

तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा डिफरेंसेस क्या होंगे बात करेंगे ठीक है डिफरेंस क्या होगा बात करेंगे ओके okay. मुझे बताओ मैं 12 लाख रुपए मैंने कमाए मैंने 12 लाख रुपए कमाए फाइनेंशियल ईयर 2122 में मैंने 12 लाख रुपए कमाए फाइनेंशियल ईयर 2122 में इसके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा और असेसमेंट ईयर क्या होगा कम ऑन मैंने 12 लाख रुपए कमाए मैंने 12 लाख रुपए कमाए फाइनेंशियल ईयर इक्कीस बाईस में इसके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा और असेसमेंट ईयर क्या होगा कमॉन कमान 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 सुहानी कह रही प्रीवियस ईयर माही कह रही इक्कीस बाईस प्रीवियस ईयर इक्कीस बाईस प्रीवियस ईयर बाईस तेईस असेसमेंट ईयर इ्यूटफुल ब्यूटफुल ब्यूटिफुल वेरी गुड ठीक है बहुत बढ़िया मैंने पचास लाख रुपए कमाए मैंने पचास लाख रुपए कमाए फाइनेंशियल ईयर थर्टी थर्टी वन में फाइनेंशियल थर्टी थर्टी वन में मुझे इसके लिए प्रीवियस ईयर बताओ इसके लिए असेसमेंट ईयर बताओ कम ऑन फाइनेंशियल में लाख कमाए मुझे इसके लिए प्रीवियस ईयर बताओ मुझे इसके लिए असेसमेंट ईयर बताओ व्हाट विल बी द प्रीवियस ईयर व्हाट विल बी दसेसमेंट ईयर वेरी गुड थर्टी थर्टी वन विल बी द प्रीवियस ईयर एंड थर्टी वन थर्टी टू विल बी दी असेसमेंट ईयर तब तक आप सारे के सारे चार्टेड अकाउंटेंट्स बन चुके होंगे ठीक है और जब आप अपने किसी क्लाइंट का प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर वगैरह देख रहे हो या असेसमेंट कर रहे हो या अपने कमाए हुए पचास लाख एक करोड़ रुपए पर आप काम कर रहे हो तो आपको याद आएगा अरे यार निशान सर ने तो इसका एग्जाम्पल भी लिया था तब तक आप लोग सीए बनकर बहुत बड़े चार्टेड अकाउंटेंट बन चुके होंगे अभी तो सात साल है अभी तो छे साल है इसमें ठीक है तब तक आप लोग बहुत बड़े सीए बन चुके होंगे ठीक है लेकिन बहुत बड़ा सीए तब तक बनने के लिए आपको अगले तीन साल के अंदर अंदर तीन या चार साल के अंदर अंदर आपको सीए कंप्लीट करना होगा ठीक है आपको अपना सीए कंप्लीट करना होगा और अगर आपको जल्दी जल्दी सीए कंप्लीट करना है तो आपको क्लासेस में रेगुलर आना होगा एलएमएस पे आपको जितनी भी चीजें मैं दूंगा वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को देखनी होंगी ठीक है तो ये हो गया प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जिस साल आप इनकम कमाते हो वो प्रीवियस ईयर और जिस साल आप उस कमाई हुई इनकम पर टैक्स देते हो वो क्या हो गया वो आपका प्रीवियस ईयर वो आपका असेसमेंट ईयर हो गया है ठीक है आइए सर आगे चलते हैं

है है ना स्पीड फाइन बिल्कुल ठीक चलो बहुत बढ़िया और बहुत ज्यादा भी नहीं आ रही है एकदम सही चल रहा है बढ़िया दो चार चीजें हैं हैं प्यारी प्यारी सी उनके बारे बारे में में हम लोगों ने बात बात की है आओ स्कीम्स ऑफ़ टैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। तो होता क्या था मैं आपको बताता हूं? होता ये था देर वॉज ओनली वन स्कीम ऑफ टैक्सेशन ठीक है सिर्फ एक स्कीम होती थी फिर प्रीवियस ईयर ट्वेंटी 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 सरकार ने एक न्यू स्कीम बनाई सरकार ने एक न्यू स्कीम बनाई अंडर सेक्शन एक सौ पंद्रह बी ए सी ठीक है यह वाला सेक्शन नंबर आपको याद रखना है ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा चिंता बिल्कुल मत करो ठीक है तो प्रीवियस ईयर 2021 ऑनवर्ड सरकार ने एक नई स्कीम बनाई जो थी अंडर सेक्शन 115 बीएसी लेकिन सरकार ने ओल्ड स्कीम को भी रखा लेकिन सरकार ने ओल्ड स्कीम को भी रखा ठीक है सरकार ने ओल्ड स्कीम को भी रखा सरकार ने कहा बाय डिफॉल्ट तो यह वाली स्कीम है बाय डिफॉल्ट यह वाली स्कीम रहेगी लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप नई स्कीम में टैक्स दो तो फिर आप इसको चूज कर सकते हो मतलब ये स्कीम आपकी थी ऑप्शनल ये स्कीम आपकी थी ऑप्शनल तो प्रीवियस ईयर 2021 ट्वेंटी है अब हम फाइनेंशियल ईयर के टर्म्स में बात नहीं करेंगे अब प्रीवियस ईयर ईयर और असेसमेंट के टर्म्स में बात करेंगे ठीक है प्रीवियस ईयर 2021 तक एक ही स्कीम थी कोई पंगा ही नहीं था प्रीवियस ईयर 2021 ट्वेंटी वन सरकार ने एक नई स्कीम निकाली इस नई स्कीम में कंसेशनल टैक्स रेट्स है टैक्स कम आता है ठीक है कई सारे लोगों को टैक्स कम आता है जो uh, कम इनकम कमाते हैं उन लोगों के लिए और कम टैक्स आता है ठीक है इस वाली स्कीम में थोड़ा सा कम टैक्स आता है लेकिन उसके भी बहुत सारे कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन वगैरह है ठीक है तो सरकार ने ओल्ड स्कीम को रखा डिफॉल्ट कि भाई आप ये वाली स्कीम में तो आप बाई डिफॉल्ट हो लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका टैक्स इस वाली स्कीम में कम आ रहा है तो आप इसको ऑप्ट कर लो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है लेकिन अगर आप कुछ ऑप्ट नहीं करते तो बाई डिफॉल्ट आप ओल्ड स्कीम में जाओगे ठीक है बाई डिफॉल्ट आप ओल्ड स्कीम में जाओगे मैं आप लोगों को पूरी वेबसाइट पर ले जाकर कभी बाद में दिखा दूंगा कि कहां से आप चूज करते हो जब आप रिटर्न वगैरह फाइल करते हो तो कैसे आप चूज कर सकते हो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूंगा ठीक है यहां तक की बात क्लियर हुई प्रीवियस ईयर बीस इक्कीस में सरकार एक नई स्कीम लेकर आई और सरकार ने कहा हम पुरानी स्कीम को हटा नहीं रहे नई स्कीम में टैक्स रेट कम है अगर आपके लिए ये बेनिफिशियल है तो आप नई स्कीम में ले लो अदरवाइज बाई डिफॉल्ट आप ओल्ड स्कीम में जाओगे ठीक है प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस ऑनवर्ड्स प्रीवियस ईयर तेईस चौबिस ऑनवर्ड्स जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है ठीक है आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस रेलिवेंट है याद रखना प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस असेसमेंट ईयर चौबीस पच्चीस आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस रेलवेंट है ठीक है यहां पर अभी भी हमारे पास ओल्ड स्कीम है ठीक है और अभी भी हमारे पास न्यू स्कीम है अंडर सेक्शन एक सौ पंद्रह बी एसी पर फर्क यह है कि अब ओल्ड स्कीम ऑप्शनल हो गई है और यह जो न्यू स्कीम है यह डिफॉल्ट कर दी गई है यह जो न्यू स्कीम है यह डिफॉल्ट कर दी गई है ठीक है मतलब अब प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस का जब हम रिटर्न फाइल करेंगे जब हम प्रीवियस ईयर इौबीस का रिटर्न फाइल करेंगे तो न्यू स्कीम बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहेगी पोर्टल पर इनकम टैक्स के पोर्टल पर न्यू स्कीम बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहेगी और अगर हमारा मन है ओल्ड स्कीम में जाने का तो हम इसको ऑप्शनल स्कीम uh, में जा सकते हैं अगर हमारा मन है ओल्ड स्कीम में जाने का तो हम एज एन ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है दोनों स्कीम्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं दोनों स्कीम्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं पहले यानी नवंबर 2023 तक नवंबर 2023 के अटेम्प्ट तक न्यू स्कीम का उतना ज्यादा रोल नहीं होता था क्योंकि न्यू स्कीम ऑप्शनल थी ठीक है 2023 नवंबर 2023 के एग्जाम तक नवंबर 2023 में तो प्रीवियस ईयर बाईस तेईस रेलिवेंट था अभी मे चौबीस और नवंबर चौबीस में प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस रेलिवेंट है तो नवंबर दो के अटेम्प्ट तक न्यू स्कीम का उतना कोई रोल खास नहीं होता था सिर्फ एक चैप्टर में हम लोग न्यू स्कीम के बारे में बात करते थे इन ओनली वन चैप्टर ठीक है लेकिन अब क्योंकि न्यू स्कीम डिफॉल्ट स्कीम बन गई है तो हर चैप्टर में इसका थोड़ा 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 पोर्शन आता रहेगा हम लोगों को अपने सिलेबस में ये दोनों ही स्कीम्स को पढ़ना है हमें अपने सिलेबस में इन दोनों ही स्कीम्स को पढ़ना है ठीक है तो न्यू स्कीम अंडर सेक्शन 115 सौ ये हो गई आपकी डिफॉल्ट स्कीम और ओल्ड स्कीम आपकी हो गई ऑप्शनल स्कीम क्या यहां पर समझ में आ रही है बात न्यू स्कीम हो गई डिफॉल्ट स्कीम और ओल्ड स्कीम हो गई ऑप्शनल स्कीम ठीक है आओ देखते हैं

ठीक है तो प्रीवियस ईयर बीस इक्कीस इक्कीस बाईस और बाईस तेईस इन तीन सालों में तक ये वाली जो नई स्कीम आई थी ये ऑप्शनल थी लेकिन प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस से ये जो न्यू स्कीम है ये डिफॉल्ट स्कीम बन गई है लेकिन अभी भी अगर आप चाहो तो ओल्ड स्कीम में आप जा सकते हो ठीक है तो बहुत सारे कंडीशंस हैं रिस्ट्रिक्शंस हैं और ये सारी चीजें आप लोगों के सामने आ रही हैं क्या ये न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम वाला पंगा आप लोगों को, को क्लियर हो गया अभी हमारे लिए डिफॉल्ट स्कीम कौन सी है फटाफट से चार्ट सेक्शन में बताओ ओल्ड स्कीम है या न्यू स्कीम अभी हमारे लिए डिफॉल्ट स्कीम क्या है ओल्ड या न्यू कम कम ऑन ऑन चैट सेक्शन में फटाफट से बताओ अभी हमारे लिए डिफॉल्ट क्या है ओल्ड या न्यू अभी हमारे लिए डिफॉल्ट क्या है ओल्ड या न्यू ठीक है लेकिन क्या ओल्ड स्कीम कंप्लीटली हटा दी गई है क्या क्या ओल्ड स्कीम कंप्लीटली हटा दी गई है क्या ओल्ड स्कीम कंप्लीटली हटा दी गई है फटाफट से चार्ट सेक्शन बताओ क्या ओल्ड स्कीम कंप्लीटली हटा दी गई है नहीं अगर हम चाहे तो क्या हम अभी भी ओल्ड स्कीम में टैक्स दे सकते हैं अगर हम चाहे तो क्या हम अभी भी ओल्ड स्कीम में टैक्स दे सकते हैं यस और नो अगर मैं चाहूं तो क्या मैं अभी भी ओल्ड स्कीम में टैक्स दे सकता हूं yes no? मुझे एक बात बताओ मैं कौन सी स्कीम में टैक्स देना चाहूंगा जहां टैक्स कम आएगा या जहां टैक्स ज्यादा आएगा मैं और आप हम कौन सी स्कीम में टैक्स देना चाहेंगे सर हम तो देना ही नहीं चाहेंगे वो अलग बात है हम देना नहीं चाहेंगे वो अलग बात है लेकिन देना तो पड़ेगा तो जहां पर टैक्स कम आएगा वो देंगे ठीक है तो अब हम लोगों को क्या करना होता है इवन इन प्रैक्टिकल लाइफ इवन इन प्रैक्टिकल लाइफ व्हाट वी हैव टू डू इज हर देखता है कि उसका टैक्स कहां पर कमा रहा है है और ये आज से नहीं, 20 -20 से नहीं प्रीवियस ईयर सब लोग कर रहे हैं ठीक क्योंकि हर साल आप चेंज कर सकते हो स्पेशली जो सैलरीड लोग होते हैं ना जो सैलरीड लोग होते हैं वो हर साल इसको चेंज कर सकते हैं तो हो सकता है प्रीवियस ईयर बीस इक्कीस में किसी ने न्यू स्कीम में टैक्स दिया हो हो सकता है में वो वापस ओल्ड स्कीम में चला गया हो सकता है बाईस तेईस में वो फिर न्यू स्कीम में जाए और तेईस चौबीस में फिर से वो ओल्ड स्कीम में चला जाए ठीक है तो हम दोनों स्कीम्स को असेस करते हैं और देखते हैं कहां हमारी टैक्स लाइब्रिटी कमा जहां हमारी टैक्स रही है वो आपका हो जाता है स्कीम्स ऑफ वो आपको वो आपकी प्रेफर्ड स्कीम हो जाती है क्या ये बात क्लियर हो गई है क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है यस yes. जिसमें कमाएगा उसमें आप टैक्स दे दो जिसमें कमाएगा उसमें आप टैक्स दे सकते हो ये बात क्लियर हुई यस सर अंबानी तो ओल्ड में देंगे हाँ अंबानी जी ओल्ड में देंगे ठीक है अंबानी जी न्यू में नहीं देंगे मनी भी ओल्ड में देंगे ठीक है चलो और अब हम लोग यहां पर बात करते हैं फाइनली कि भाई रेट्स क्या है

तो हम लोग पहले ओल्ड स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं ओल्ड स्कीम के जो टैक्स के रेट्स हैं, वो इंडिविजुअल एच एफ एओपी बीओवाई एजीपी के लिए ये है. ये रेट्स रेट्स हैं। मतलब ढाई लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर आपकी इनकम ढाई लाख से पांच लाख है तो फाइव परसेंट के रेट से टैक्स लगेगा अगर आपकी इनकम फाइव लाख से टेन लाख है तो ट्वेंटी और अगर आपकी इनकम टेन लाख के ऊपर है तो थर्टी परसेंट के रेट से टैक्स लगेगा आप बिल्कुल चिंता मत करो इसकी मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा ये सब आपको याद हो जाएगा ठीक है तो ये डेफिनेटली आपको सारी चीजें याद रखनी है ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है याद हो भी जाएगा और बहुत मजे मजे में याद हो जाएगा कोई टेंशन करने वाली बात नहीं है ठीक है एक चीज का यहां पर ध्यान रखना रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए अप्लाई करता है ठीक है तो चाहे कोई रेजिडेंट हो चाहे कोई नॉन रेजिडेंट हो अब रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट क्या होता है इसके बारे में, we have an entire chapter. हमारा पूरा एक चैप्टर नंबर टू है रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम जहां पर हम प्रॉपरली समझेंगे कि किस इंसान को इनकम टैक्स के नजरिए से रेजिडेंट बोला जाता है और किस इंसान को इनकम टैक्स के नजरिए से नॉन रेजिडेंट बोला जाता है ठीक है तो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे अभी फिलहाल जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो में आपको दिया हुआ रहेगा कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है ठीक है ओके तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट के केस में ये हो गया रुपीज निल टू लाख लाखी सॉरी अप टू लाख फिफ्टी थाउजें रूपीज कोई टैक्स नहीं लगेगा मतलब अगर मेरी साल भर की इनकम दो लाख चालीस हजार रुपए क्या मुझे एक भी पैसा टैक्स देने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं अगर ढाई लाख से पांच लाख मेरी इनकम है तो मुझे पांच परसेंट के रेट से टैक्स देना है अगर पांच लाख से दस लाख के बीच में है तो मुझे 20 से टैक्स देना है और अगर दस लाख के ऊपर है तो मुझे 30 के रेट से से टैक्स देना है अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना मुझे आप लोग बता दो कि अगर आपकी इनकम बारह लाख रुपए है तो वॉट विल बी द टैक्स अमाउंट मुझे फटाफट से बताओ कि अगर किसी बंदे की इनकम बारह लाख रुपए है अगर किसी बंदे की इनकम बारह लाख रुपए है तो वॉट विल बी द टैक्स अमाउंट ठीक है ध्यान रखो मैं आपको अभी यहां पर लिख भी देता हूं अप टू टू लाख फिफ्टी थाउजेंड नील ठीक है फ्रॉम टू फिफ्टी फ्रॉम टू फिफ्टी टू फाइव लाख कितना फाइव परसेंट फ्रॉम फाइव लाख टू टेन लैक्स परसेंट और अब टेन लैक्स थर्टी परसेंट ठीक है मुझे अमाउंट बताओ मैंने आपको इनकम बताई है बारह लाख रुपए की मुझे अमाउंट बताओ कि कितने रुपए का टैक्स आएगा मुझे अमाउंट बताओ कितने रुपए का टैक्स आएगा फटाफट से बताओ कितने रुपए का टैक्स आएगा ओके आई एम गेटिंग अ फ्यू आंसर्स कोई कह रहे तीन लाख साठ हजार रुपए कोई कह रहा है थ्री लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज कोई कह रहे वन सेवनटी टू फाइव हंड्रेड ओके थ्री सिक्सटी वन सेवन टू फाइव हंड्रेड थ्री फोर्टी फाइव एक वन सेवेंटी नाइन फोर हंड्रेड भी आया सेवनटी नाइन फोर हंड्रेड वन सेवनटी टू फाइव हंड्रेड ठीक है वन सेवनटी टू फाइव हंड्रेड थ्री फोर्टी फाइव बस 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 वन सेवन फोर हंड्रेड अरे किसी का टू एटी फाइव भी आया टू लाख एटी फाइव थाउजेंड रुपीज भी आया ओके okay. ओके 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 चलो चलो बस 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 ठीक है अब इधर देखो अब इधर देखो कई सारे लोगों ने क्या किया है कई सारे लोगों ने यहां पर क्या किया है आप लोगों ने इस तरह से किया है आप लोगों ने क्या किया 12 लाख आपने देखा अरे ये तो दस के ऊपर है तो इस पर आप साफ साफ तीस परसेंट लगा दो 12 के आपने 30 लगाया और यह थ्री लाख सिक्सेंड रुपीज आया और मेजोरिटी लोगों का आंसर ये आया है ठीक है जिनका भी कोई और आंसर्स आए आई डोंट नो आपके इतने अलग अलग टाइप के आंसर्स कैसे आए ठीक है बट जो भी है आपने ज जितना भी पढ़ा है जितना भी आपको याद है उसके बेसिस पर आपने किया होगा बट दी आंसर दैट आई वॉन्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ यू वॉज दिस ओनली थ्री लैख सिक्स रुपीज ठीक है तभी तो मैं आपको बताऊंगा ना कि कैसे एक्चुअल कैलकुलेशन होती है आप मेरे को अगर पहले से ही वार्म अप के बेसिस पर या अपने बी कॉम के बेसिस पर अगर आप मेरे को सही आंसर्स बताने लग जाओगे या कोई भी और आंसर बताने लग जाओगे तो मैं आपको क्या बताऊंगा बताओ मैं आपको क्या ही बता पाऊंगा है ना तो जितना मैंने बताया उसके बेसिस पर आई वॉन्टेड के ऊपर टैक्स अमाउंट कितना आएगा आपने सिंपल किया कि भाई दस लाख के ऊपर है दस लाख के ऊपर पूरा का पूरा तीस परसेंट लगा दे और तीन लाख साठ हजार रुपए तेरा इनकम टैक्स आएगा अब सुनो इसमें होता क्या है कैसे इसकी टैक्स की कैलकुलेशन एक्चुअली की जाती है ना दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आने वाला है यहां पर ठीक है ये जो रेट्स है ना ये जो रेट्स है दीज आर नॉट फ्लैट रेट्स बारह लाख रुपए में आप देखो ढाई लाख रुपए तक एक पैसा भी टैक्स नहीं लगेगा ठीक है बारह लाख में से बारह लाख ,00 को आप डिवाइड करो बारह लाख ,00 को आप डिवाइड करो बारह लाख ,00 को आप डिवाइड करो जीरो से टू लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज तक जो टैक्स आएगा वो आएगा नील जीरो से टू लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज तक जो टैक्स आएगा वो आएगा नील ठीक है टू लाख फिफ्टी थाउजेंड से फाइव लाख तक जो टैक्स आएगा वो आएगा फाइव परसेंट तो टू फिफ्टी से फाइव लाख कितना हुआ टू फिफ्टी हुआ ठीक है मैं सिंपल कर रहा हूं टू फिफ्टी से लेकर फाइव लाख कितना आया पैसा पांच लाख माइनस टू लाख फिफ्टी थाउजेंड कितना हो गया ढाई लाख ,00 हुआ इस पर किस रेट से लगेगा इस पर फाइव परसेंट के रेट से लगेगा तो ये आ गया साढ़े बारह हजार यह आ गया आपका साढ़े बारह हजार ठीक है पांच लाख से दस लाख ,00 तक पांच लाख ,00 से दस लाख ,00 तक जो टैक्स लगेगा वो लगेगा बीस परसेंट के रेट से मुझे बताओ पांच से दस डिफरेंस कितना हुआ दस लाख माइनस पांच लाख कितना हुआ फाइव लाख हुआ इस पर ट्वेंटी परसेंट इस पर लगा ट्वेंटी परसेंट तो ये आया कितना ये आया एक लाख ठीक है और दस लाख के ऊपर जितना भी है मतलब मैं बोलू दस लाख से इसके ऊपर कितना है बारह लाख तक है तो दस लाख से बारह लाख तक दस लाख से बारह लाख तक तीस परसेंट के रेट से लगेगा तो कितना हुआ बारह लाख माइनस दस लाख या दो लाख इस पर तीस परसेंट लगा और ये आ गया आपका सिक्सटी थाउजेंड ये आ गया आपका सिक्सटी थाउजेंड तो टोटल कितना टैक्स आया साढ़े बारह हजार प्लस एक लाख प्लस सिक्सटी थाउजेंड तो कितना आ गया ये आ गया आपका वन सेवेंटी टू फाइव हंड्रेड अगर आप डायरेक्टली लगा देते ना अगर आप डायरेक्टली थर्टी परसेंट लगाते ट्वेल्व लैक्स पर तो कितना आता तो आता थ्री लाख थाउजेंड रुपीज लेकिन क्योंकि बेसिस पर हम इतने क्वेश्चन करेंगे के एक के बाद आप नींद में भी निकालने लग जाओगे अच्छा टैक्स लाइबिलिटी ऐसे निकाली जाती है ठीक है तो अब आप लोग क्या कर सकते हो अपने पेरेंट्स से पूछना आज के सेशन के बाद अपने पेरेंट्स से पूछना ठीक है और उनको बताना मत आप क्या करने जा रहे हो आप बस ऐसे ही पूछना कि अच्छा पापा आपकी इनकम कितनी है आपकी इनकम कितनी है मैं कुछ पढ़ाए मुझे कुछ असाइनमेंट मिला वो आ, क्लास से ठीक है तो बताना मत क्या करने जा रहे हो ठीक है क्योंकि बहुत सारी और पापा को मत बता देना कि अच्छा आप इतना टैक्स देते हो ये सब मत करना क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें ना जो अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी पहली क्लास के अंदर अंदर आप टैक्स के कोई एक्सपर्ट तो बनने नहीं वाले बनोगे लेकिन दीरे दीरे करके बनोगे, राइट? तो पहली क्लास में बताया पंद्रह लाख रुपए पर टैक्स कैलकुलेट कर दिया टैक्स कैलकुलेट करते हैं पंद्रह लाख के बेसिस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो अगर किसी को ये वाला पॉइंट नहीं भी समझ में आया होगा ना तो पंद्रह लाख के एक्साम्पल से आपको समझ में आ जाएगा ठीक है लेट से आपका पंद्रह लाख था ठीक है तो आपकी इनकम कितनी हो गई आपकी इनकम हो गई लेट से पंद्रह लाख रुपए ठीक है तो फर्स्ट टू लाख फिफ्टी थाउजेंड पर फर्स्ट टू लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज पर कोई टैक्स आपको नहीं देना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है मैं बताऊंगा कब लिखना है अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है फर्स्ट टू लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज पर आपसे लूटीन फिर फ्रॉम टू लाख फिफ्टी थाउजेंड फ्रॉम टू लाख फिफ्टी थाउजेंड टू फाइव लाख फाइव परसेंट तो ये आएगा आपका फाइव परसेंट ऑफ टू लैख फिफ्टी थाउजेंड साढ़े बारह हजार ठीक है फ्रॉम फाइव लाख टू टेन लाख फ्रॉम फाइव लाख टू टेन लाख कितना ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ऑफ कितना ट्वेंटी परसेंट ऑफ फाइव लाख कितना आएगा एक लाख रुपए आएगा ठीक है और फ्रॉम टेन लाख फिफ्टीन लैक्स फ्रॉम टेन लैक्स टू फिफ्टीन लैक्स दस से पंद्रह कितना तीस परसेंट परसेंट ऑफ फाइव लैक्स तीस परसेंट ऑफ फाइव लैक्स कितना डेढ़ लाख रुपए कितना आया ये टोटल आपका आ जाएगा टू सेवेंटी फाइव नहीं पता नहीं क्या आएगा फाइव सिक्स टू लाख सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड 262,500 ये आपका टैक्स निकल कर आएगा क्या ये बात सबको समझ में आ रही है 262,500 यस क्लियर है सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द टैक्स इंटरेस्टिंग नॉट अ डायरेक्ट परसेंटेज बट यू हैव टू कैलकुलेट स्लैब वाइज इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग यस वेरी गुड सौम्या नेनमानी शशांक स्वाति विनय इशिका, सेजल प्रदाबे बहुत बढ़िया स्लैप ओए, स्लैप वाइज नहीं वंदना वंदना कह रही है स्लैप वाइज किसको थप्पड़ मारने का मन कर रहा है आपको वंदना इट्स स्लैब एस एल ए बी 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 फॉर बकरी ठीक है स्लैब स्लैप नहीं स्लैब ठीक है स्लैब वाइज राइट स्लैब वाइज आपको देना होता है चलो आओ ये हो गया अब सुनो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी एज सिक्सटी ईयर्स से ऊपर है अगर ऐसा कोई बंदा है जिसकी एज सिक्सटी ईयर्स से ऊपर है तो उसको सरकार बेनिफिट देती है उसको बेनिफिट मिलता है तीन लाख तक का ठीक है मतलब अभी हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा था टू लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज तक एक पैसा भी टैक्स नहीं देना लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन है यानी जिसकी एज इयर्स या उससे ज्यादा है कोई एग्जैक्ट एक्टी का है या उससे ज्यादा है तो उसको थ्री लाख रुपीज तक का बेसिक एक्जेंशन मिल जाता है इसको बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पन लिमिट जिस जिस अमाउंट तक आपको एक पैसा भी टैक्स नहीं देना होता उसको बोलते हैं बेसिक एक्जन लिमिट ठीक है तो सीनियर सिटीजन के के केस में तीन लाख रुपए तक की बेसिक एग्जेंशन लिमिट होती है उसके आगे सब कुछ एक्जैक्टली exactly सेम है ठीक है तो नॉर्मल लोगों के लिए आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए ढाई लाख रुपए सीनियर सिटीजन के लिए तीन लाख रुपए उनकी इनकम आती है पांच लाख रुपए उनकी इनकम उनका उनका बेसिक एक्सम्शन हो जाता है पांच लाख तो पांच लाख तक एक पैसा भी टैक्स नहीं देना पांच लाख के ऊपर दस लाख तक बीस और दस के ऊपर तीस ठीक है तो नॉर्मली क्या हो गया नॉर्मली आपका ढाई लाख हो गया ठीक है नॉर्मली आपका ढाई लाख हो गया ढाई लाख तक ढाई से पांच फाइव परसेंट पांच से दस बीस परसेंट दस के ऊपर तीस परसेंट ठीक है अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन को ढाई की जगह तीन लाख तक का बेसिक एग्जेस मिल जाता है तो तीन लाख तक निल तीन से पांच पांच परसेंट पांच से दस बीस परसेंट दस के ऊपर तीस परसेंट और अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है तो उसको पांच लाख तक का बेसिक एक्सम्स मिलता है कोई 80 या उससे ऊपर है, तो उसको पांच लाख तक का बेसिक एक्सम्शन मिलता है मतलब पांच लाख तक 5 से दस बीस परसेंट और दस के ऊपर हो रही है? और को मिल रहे है समझ में आ रही है बात ठीक है <coughs> किस तरह से बेसिक एक्समशन लिमिट आपका चेंज हो रहा है वो समझ में आ रही है बात सबको? Yes? बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया अब यहां पर एक सवाल उठता है यहां पर एक सवाल उठता है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और काफी इंटरेस्टिंग केस स्टडी थी ये एक्चुअली एक केस लॉ है ठीक है एक्चुअली एक केस स्टडी थी एक दादाजी है ठीक दादा है एक दादाजी हैं। उन्होंने अपना सिक्सटी बर्थडे मनाया एक दादाजी है उन्होंने अपना सिक्सटी बर्थडे मनाया कब फर्स्ट अप्रैल 2024 को ठीक है एक दादाजी का बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू थाउजेंड अप्रैल फोर को ठीक है फर्स्ट एप्रिल टू सी बात है कि हम 24, 25 में तो ये सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे ही आएंगे ठीक है ऑब्वियस तो कोई पंगा ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट अप्रैल 24 फोर को ये 60 इयर्स के हो गए सवाल ये उठा इन दादाजी ने क्या किया इन दादाजी ने कहा कि ना मैं तो प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में ही सिक्सटी इयर्स का हो गया था इन दादाजी ने कहा कि मैं तो प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में ही सिक्सटी ईयर्स का हो गया था तो मुझे तीन लाख तक का बेसिक एग्जामेशन लिमिट मिलनी चाहिए मुझे तीन लाख रुपए तक की बेसिक एग्जामेशन लिमिट प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस में ही मिलनी चाहिए

लॉ मेकर्स कह रहे हैं दादाजी कैसी बातें कर रहे हो मतलब आप तो हमारे माथे में दादाजी क्या बात कर रहे हो बर्थडे 60 तो आपका आपकी पार्टी में आए थे बता रहे दादाजी आपके बेटे ने बुलाया था आपका आपका जो आपका जो पोता है हमारा जो पोता है वो सेम 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 स्कूल में पढ़ते हैं दादाजी कैसी बात कर रहे हो आप हाँ दादाजी ऐसे थोड़ी होता है मतलब आप घर के हो यार आप घर के होते हुए इस तरह से बातें कर रहे हो कह रहे, रहे हो कि चौबीस पच्चीस चौबीस पच्चीस में हम आपको खुद ही दे रहे तेईस चौबीस में आप साठ साल के कैसे हो गए दादाजी अब मैं आप सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से जानना चाहता हूं क्या दादाजी सही है या दादाजी गलत है क्या दादाजी को तेईस चौबीस में तीन लाख रुपए तक का हायर बेसिक एग्जेमशन लिमिट का बेनिफिट मिलना चाहिए हां या ना हां या ना दादाजी सही है या दादाजी गलत है दादाजी सही है या दादाजी गलत है कई सारे लोग कह रहे हैं हां दादाजी इज राइट कई सारे लोग कह रहे हैं ना दादाजी इज़ ठीक है कई सारे लोग कह रहे हैं दादाजी सही है कई सारे लोग कह रहे हैं दादाजी गलत है आओ मैं आपको बताता हूं साल हमारा जब फर्स्ट जनवरी को शुरू होता है जब हमारा साल फर्स्ट जनवरी को शुरू होता है तो एक साल कंप्लीट कब होता है इकतीस दिसंबर को कंप्लीट होता है ना बेटे कंप्लीट कब होता है कंप्लीट होता है 31 दिसंबर को आप कहते हो तो 31 दिसंबर को एक साल कंप्लीट हो गया आप एक जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाते हो आप एक जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाते हो यहां नया साल शुरू होता है लेकिन 2024 तो यही कंप्लीट होता है तो दादा जी कह रहे हैं कि भाई मेरे 60 इयर्स कंप्लीट तो 31 मार्च 2024 को ही हो गए यहां फर्स्ट अप्रैल को तो मैंने अपना बर्थडे मनाया मैंने अपना सिक्सटी बर्थडे मनाया सिक्सटी इयर्स मैंने कंप्लीट कर लिए 31 मार्च को अब यहां पर मैं सिक्सटी बर्थडे मना रहा हूं लेकिन मैं अपने सिक्सटी फर्स्ट ईयर में एंटर कर रहा हूं ठीक है मैं जब भी पैदा हुआ था तो 31 मार्च को मैं फर्स्ट अप्रैल को पैदा हुआ था तो 31 मार्च को तो एक साल कंप्लीट हो गया ना 31 मार्च को तो मेरे 60 साल कंप्लीट हो गए और लॉ में क्या लिखा है लॉ में लिखा है कि अगर कोई बंदा प्रीवियस ईयर 23-24 में अगर कोई बंदा प्रीवियस ईयर 23-24 में 60 साल या उससे ऊपर का है तो उसको हायर बेसिक एग्जामिशन मिलेगा दादाजी के साठ साल कंप्लीट कब हुए दादाजी के साठ साल कंप्लीट हुए मार्च को। यहां तो 61st में इंटर कर रहे और अगर दादा के 60 हो गए, तो दादाजी अगर दादाजी प्रीवियस में इयर्स के हो गए तो उनको हायर बेसिक एग्जामेशन लिमिट का भी बेनिफिट मिलेगा ना तो दादाजी सही है जय हो दादाजी की जय हो दादाजी की जय हो दादाजी की ठीक है मैं फिर से बता रहा हूं जब आपका साल शुरू होता है फर्स्ट जनवरी को जब आपका साल शुरू होता है फर्स्ट जनवरी को तो साल एंड कब होता है इज द एंड ऑफ दैट ईयर 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 एट वन ऑन तो उसी तरह से अगर साल शुरू हो रहा है फर्स्ट अप्रैल को तो एंड कब होगा एंड तो थर्टी फर्स्ट मार्च को हो गया ना फर्स्ट अप्रैल से तो अगले फर्स्ट अप्रैल से तो नया साल शुरू हो गया ठीक है यहां पर आकर तो एंड हो गया तो दादाजी का फर्स्ट अप्रैल को बॉर्न हुए दादाजी फर्स्ट अप्रैल को बॉर्न हुए जब फर्स्ट अप्रैल को दादाजी बॉर्न हुए तो बर्थडे 60, अगर उन्होंने यहां पर मनाया तो इयर्स कंप्लीट तो इकतीस मार्च को ही हो गए ना इयर्स कंप्लीट तो इकतीस मार्च को हो गए और अगर सिक्सटी इयर्स कंप्लीट इकतीस मार्च को हो गए तो फिर डेफिनेटली प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस में उन्हें हायर बेसिक एग्जीबिशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा क्या ये बात आपको समझ में आ रही है यस अप टू थ्री लाख रुपीज नो टैक्स कृष्णा कह रहे हैं सर लेकिन वो तो एंड में हो रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है ठीक है ऐसे तो जो फर्स्ट अप्रैल को हो जाएगा आप उसको बोलोगे अरे यार ये 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 पहले हो गया और एंड में हुआ इसमें दादाजी की की क्या गलती है बताओ आप ठीक है पूरे साल में देखा जाएगा साल भर में अगर आप कभी भी साठ साल या उससे ऊपर के हो गए तो आपको हायर बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट मिल जाएगा ठीक है वो एंड में हो रहे हैं या स्टार्टिंग में हो रहे हैं इसमें बेचारे दादाजी की क्या गलती है ठीक है इसमें बेचारे किसी की भी क्या गलती है ठीक है तो स्टार्टिंग एंड से कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक इसके दिमाग में टाइम वैल्यू ऑफ मनी चल रहा है है ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जैक्टली सिमिलरली मयंक कह रहे मेरे पापा का बर्थडे फर्स्ट अप्रैल को आता है वेरी गुड तो जब आपके पापा अपना सिक्सटी बर्थडे मनाएंगे ना उससे पिछले साल में वो हायर बेसिक एग्जामिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे मयंक बता जरूर देना अपने पापा को ठीक है मयंक बता देना शिफाना कह रही है नाउ इट्स क्लियर सर

क्या उसको पांच लाख रुपए तक का बेसिक एग्जामेशन मिल जाएगा जल्दी बताओ मिल जाएगा ना ठीक है सेम लॉजिक सेम लॉजिक क्योंकि 80 इयर्स कंप्लीट कब हुए 80 इयर्स प्रीवियस ईयर तेईस चौबीस में कंप्लीट हो गए। ठीक है तो डेफिनेटली इसका भी बेनिफिट मिल, जाए। इस, uh, मिल जाएगा डेफिनेटली इसका भी बेनिफिट मिल जाएगा आइए देखते हैं तो इफ एन इंडिविजुअल्स बर्थडे फॉल्स ऑन 1st अप्रैल 24 एंड ही टर्न्स 60 इयर्स ओल्ड ही विल गेट द बेनिफिट ऑफ हायर बेसिक एक्सामेशन लिमिट ऑफ 3 लाख रुपीस इन द प्रीवियस ईयर 23 24 सिमिलरली इफ एन इंडिविजुअल्स बर्थडे फॉल्स ऑन 1st अप्रैल 24 एंड ही टर्न्स 80 इयर्स ओल्ड ही विल गेट द बेनिफिट ऑफ हायर बेसिक एक्जामेशन लिमिट ऑफ 5 लाख रुपीस इन द प्रीवियस ईयर 23 24 ठीक है अब इसके ऊपर एक चीज आती है सरचार्ज ठीक है सरचार्ज होता है एक्स्ट्रा टैक्स सरचार्ज क्या होता है सरचार्ज होता है एक्स्ट्रा टैक्स एक्स्ट्रा टैक्स में जो लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं अंशुल सर जैसे अभिषेक सर जैसे जतिन सर जैसे ये लोग बहुत ज्यादा अमीर है ठीक है बहुत ही ज्यादा अमीर है तो ये लोग सरचार्ज की कैटेगरी में आते हैं हम लोग नॉर्मल टैक्स तो देते ही देते हैं लेकिन ये अंशुल सर अभिषेक बंसल सर और ये जतिन देमला सर ये लोग ऐसा मतलब छापते हैं ठीक है तो ये इन लोगों को सरचार्ज भी देना होता है

ये इसके ये सरचार्ज की कैलकुलेशन कैसे होती है उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे आज बिल्कुल दस परसेंट पंद्रह परसेंट पच्चीस परसेंट या सैंतीस परसेंट मुझे बस इतना मेरा एक डाउट है मेरा एक डाउट सॉल्व करो मेरा एक डाउट है अंशुल सर कितना सरचार्ज देते होंगे दस परसेंट पंद्रह परसेंट पच्चीस परसेंट या सैंतीस परसेंट All of you are absolutely correct. All of you are absolutely correct. 37% ठीक है? तो अंशुल सर कितना सरचार्ज देंगे? 37% जतिन सर कितना सरचार्ज देते होंगे? अभिषेक बंसल सर कितना सरचार्ज देते होंगे? आदर्श जोशी सर कितना सरचार्ज देते होंगे? कितना देते होंगे? सारे के सारे 37% एकदम सीधी सी बात है। ठीक है और इसके बाद लास्ट में एक चीज आती है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सारा टैक्स निकालने के बाद चार परसेंट का एक टैक्स और निकलता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सेस का मतलब होता है जो टैक्स सरकार कलेक्ट करती है किसी एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए ठीक है एक स्पेसिफाइड पर्पज के लिए अगर सरकार कुछ टैक्स कलेक्ट करती है तो उसको सेस बोला जाता है ठीक है तो हेल्थ एंड एजुकेशन के नाम से अगर लिया जा रहा है मतलब क्या हुआ सरकार इस वाले पैसे को सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन के डेवलपमेंट uh, में ही इस्तेमाल करेगी हॉस्पिटल्स बनवाएगी बनवाएगी स्कूल्स वगैरह वगैरह लेकिन इस पैसे को कहीं और इस्तेमाल नहीं करेगी चार परसेंट का आपका सेस लगता है अगेन सेस की कैलकुलेशन कैसे होती है उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे ठीक है तो सरचार्ज और सेस की कैलकुलेशन कैसे होती है उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे ये आपके टैक्स रेट्स की पूरी की पूरी समरी है जिसको आप लोग यहां पर देख सकते हो ये आपके टैक्स रेट्स की पूरी की पूरी समरी है जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कल हम लोग इसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जाएंगे एवरीथिंग सब कुछ आपको याद हो चुका होगा तो कल हम लोग समरी ऑफ टैक्स रेट्स करने वाले है मतलब कल हम लोग पूरे के पूरे टैक्स रेट्स पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्या यहां तक की बात आप सब को समझ में आ गई बो नि मजा आया आज की क्लास में मजा आया आज की क्लास में फटाफट फड़ से बता दो कह फोर्टी परसेंट देते हैं तो राउंड ऑफ करके <laughs> बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया <coughs> मजा आया बढ़िया था बढ़िया था ठीक है आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोगों को दिया था एट डबल फोर डबल सेवन फाइव सेवन वन सिक्स सेवन आप लोग मुझे अपनी एकाग्रता की इन्वॉइस भेजोगे जितने भी लोगों ने एकाग्रता का सब्सक्रिप्शन ले लिया है आप लोग मुझे इस पर व्हाट्सएप करोगे एट डबल फोर डबल सेवन फाइव सेवन वन सिक्स सेवन इस पर आप मुझे अपनी एकाग्रता की इनवॉइस भेजोगे मैं आप लोगों को एल में एनरोलमेंट की दूंगा डायरेक्ट टैक्स के कोर्स की भी और इनडायरेक्ट टैक्स के कोर्स की भी मैं आपको एनरोलमेंट की दूंगा और आप लोग उसको एड हो जाओगे रात तक दूंगा वो की उसमें अभी टाइम लगेगा ठीक है क्योंकि मेरे को सारी देखनी होगी ना अड ऑफ यू विल डू दिन और अभी साढ़े तीन बजे से हमारी जीएसटी की भी क्लास है ठीक है तो आई होप आज की क्लास में आप लोगों को मजा आया होगा ठीक है ऑसम एक काम करते हैं फटाफट से आज की क्लास में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा उसको एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात की सबसे पहले हम लोगों ने हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस uh, के बारे में बात की टैक्सेशन में ऐसा होगा वैसा होगा वो सारी चीजों के बारे में बात की फिर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में अगर बात करें तो फिर मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं फटाफट से आप लोग यहां पर चैट बॉक्स में आंसर दोगे और उसके बाद जाओगे ठीक है रिवाइज करेंगे और उसके बाद जाएंगे आपको कल की क्लास में आने से पहले ये सारी की सारी चीज रिवाइज करनी है हार्डली हार्डली मिनट का का टाइम लगेगा इसको करने में। का टाइम लगेगा लगेगा इसको रिवाइज़ रिवाइज़ करने करने में में ये ये सारी चीज़ 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 आपको बताइए बात ठीक है आओ सबसे सबसे पहली पहली अ कितने कैटेगरीज के होते हैं

अगर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बोला जाएगा ठीक है अगर मैं इनकम कमा रहा हूं अगर मैं इनकम कमा रहा हूं लेट से बीस लाख रुपए की लेट से बीस लाख रुपए की इनकम मैं कमा रहा हूं फाइनेंशियल ईयर पच्चीस छब्बीस में तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा अगर मैं इनकम कमा रहा हूं फाइनेंशियल ईयर पच्चीस छब्बीस में तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा कमान 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 पच्चीस छब्बीस प्रीवियस ईयर और छब्बीस सत्ताईस असेसमेंट ईयर वेरी गुड ऑल ऑफ यू आर आपसे लूटली करेक्ट ऑल ऑफ यू आर आपसे लूटली करेक्ट ठीक है अगर मैं मकान को बेचकर प्रॉफिट कमा रहा हूं तो वो कौन से हेड में जाएगा मैं मकान को बेचकर प्रॉफिट कमा रहा हूं कौन से हेड में जाएगा कमॉन कमान मैं मकान को बेचकर प्रॉफिट कमा रहा हूं कौन से हेड में जाएगा वेरी गुड वेरी गुड ब्यूटिफुल कैपिटल गेंस वेरी गुड वेरी नाइस कैपिटल गेंस मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं शेयर्स पर मेरे को डिविडेंड मिला कौन से हेड में जाएगा मेरे पास किसी कंपनी के शेयर है शेयर पर डिविडेंड मिला कौन से हेड में जाएगा अदर सोर्सेज वेरी गुड ब्यूटिफुल ब्रिलियंट 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 ऊपर के लोगों के लिए बेसिक एक्सम्शन लिमिट क्या है इयर्स या उससे ऊपर के लोगों के लिए बेसिक एक्सम्पन लिमिट क्या है वेरी गुड वेरी नाइस तीन लाख बहुत बढ़िया 80 इयर्स या उससे ऊपर के लोगों के लिए बेसिक एक्जन लिमिट क्या है इयर्स या उससे ऊपर के लोगों के लिए बेसिक एग्जामेशन लिमिट क्या है पांच लाख वेरी नाइस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल हम लोगों के लिए अभी ऑप्शनल स्कीम है द न्यू स्कीम द न्यू स्कीम इज ऑप्शनल स्कीम राइट नाउ ट्रू और फॉल्स न्यू स्कीम इज स्कीम राइट नाउ ट्रू और फॉल्स न्यू स्कीम इज द ऑप्शनल स्कीम राइट नाउ ट्रू और फॉल्स वेरी गुड फॉल्स न्यू स्कीम डिफॉल्ट है ओल्ड स्कीम ऑप्शनल है ठीक है न्यू स्कीम डिफॉल्ट है ओल्ड स्कीम ऑप्शनल है दैट्स दैट्स ग्रेट ग्रेट वीडियो को लाइक like कर देना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को सेशन कैसा लगा आई सी यू थ्री थर्टी पी एम जाओ खाना खा के आओ साढ़े तीन बजे जीएसटी में मिलेंगे तब वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में भी डिफरेंस समझ में बड़ा आएगा बड़ा मजा आएगा ठीक है साढ़े तीन बजे जीएसटी की क्लास मिलते हैं थैंक यू टेक केयर बाय